गंदा पानी बगल के गांव के पीने के पानी से जाकर मिलता है, जिसकी वजह से वहां के लोगों में बीमारी फैल रही है। वहां के पीने का सारा पानी खराब हो चुका है और इसकी वजह से वहां के लोगों को बस्ती छोड़कर गांव खाली करने के लिए प्रेशर दिया जा रहा है। 100 परिवार ऐसी स्थिति में कहां जाएंगे? और वहीं अब तक इस मामले में हमारी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है। आम लोगों ने जिस सरकार को चुना है, क्या वही सरकार इन लोगों के लिए कुछ नहीं करने वाली है? सरकार के सामने ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है। हम इस कचरे के डोगरी से निकलने वाले पानी और बीमारियों को जल्द से जल्द रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और उस जगह का मुआयना करने के बाद पता चला है कि इस कचरे के ढेर से हम पेट्रोल निकाल सकते हैं, ऐसा साइंटिस्ट कह रहे हैं, और उसकी तैयारी भी। कचरे से पेट्रोल? अगर कचरे से पेट्रोल निकले तो कचरे वाले तो करोड़पति बन जाएंगे। पागल लोग कुछ भी बोलते हैं। क्या रे, कचरा निकालने जा रहा है? अरे भाई, कचरा तो क्या, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं। हे, अपना कंडीशन बता दिया ना? हाँ भाई, बता दिया। ये ले चश्मा पहन। आपके सामने कैसे पहनूं? ये देख, असल को 3 महीने में दे देना चाहिए। ओके जी भाई। 15 दिन पर ब्याज, करेक्ट टाइम पर। टाइम वेस्ट मत कर, जाके साइन कर। साइन कर। तोड़ दिया क्या? इन लोगों ने परेशान करके रखा है। ए, कितना बल तोड़ेगा रे तू? क्या देख रहा है? नीचे गिरेगा तो टूटेगा, मैं क्या करूं? इतना डर है तो बहुत हो गया। डर गया भाई, अगर आपको हिंदी नहीं आती ना तो ये आदमी आपको उल्लू बना देता। हा। हे, क्या देख रहा है? हाथ में सामान उठा और काम शुरू कर, इडियट्स। उसको जो पैसा दिया नहीं लौटाया, इसलिए उसका घर ही हड़प लिया। ऐसे बल्ब टूटता रहा तो अपन रोड पर आ जाएंगे। नमस्ते भाई। नमस्ते, क्या हुआ रे? घर पे बहुत काम था, दिखाई नहीं दिया, कहाँ बिजी था रे? मेरे पिताजी मर गए भाई। हाँ? क्या, पिताजी मर गए? कल उन्होंने बहुत ज्यादा पी ली थी। हाँ? नशे में बीड़ी जलाने के लिए शॉर्ट सर्किट होते देख बिजली के खंभे पर चढ़ गए। अच्छा, बीड़ी जला है कि नहीं? अपना काम देख, पिताजी तो गए ऊपर, मुझे नीचे जाना है। सारा सामान ठीक से इस्तेमाल कर रहे, जंग नहीं लगनी चाहिए। तुम अश्विन के घर आ जाना। अरे लास्ट मंथ ही मैंने वो ट्रेनिंग ली थी यार, बहुत बोर है। इसको देख, पूछो तो सेल्समैन बोलता है, जब देखो फोन पर लगा रहता है। नमस्ते भाई। है क्या? नमस्ते भाई, अपना आदमी है। क्या अपना आदमी है? अभी एक आदमी को बताकर एक आदमी को लेकर आया, ऑटो खरीदने के लिए वो पैसे लेकर चला गया, और इसको देख फोन पे बात कर रहा है। माँ। हाँ। मैं चलता हूँ माँ। अरे अरे, चाचा की दुकान से आधा किलो टमाटर ला कर देना। नहीं माँ, मुझे बहुत काम है। अरे अरे, मेरा प्यारा बेटा है ना, ला कर देना भाई। हाँ क्या? आज शाम को ग्राउंड में सेमीफाइनल मैच है, आप आ रहे हो ना? अबे पहले का 1000 रुपया दिया नहीं तो मैं क्यों आऊँ? अरे भाई आप चिंता मत करो, मैं उनसे पूछ कर बताता हूँ। हाँ ठीक है, बताना। भैया जरा जल्दी दो ना यार, डालो जल्दी। हाँ वो तो ठीक है। ए, लेकिन उसका चेहरा दिख नहीं रहा, लगे रुक, तू भाग नहीं सकता, मैं आ रहा हूँ। लगता है इसके लिए शॉर्टकट मारना पड़ेगा। मैं आ रहा हूँ, रुक जा रुक जा। अभी कुछ नहीं, चलिए आपको पीछे हटिए। कहाँ है वो? अंदर है सर। सेम पैटर्न? हाँ सर। ए, सबसे पहले किसने देखा था? ए, दूध वाले इधर आ। साहब मुझे कुछ नहीं पता, मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, मुझे छोड़ दो प्लीज। कितने बजे देखा?
साहब 5:30 बजे सुबह उठकर दूध बेचता हूँ, आज थोड़ा लेट हो गया, 6:30 बज गए थे। हमेशा दूध का बर्तन बाहर होता है, आज नहीं था इसलिए मैं अंदर गया तो देखा वो भरी हुई थी। रोना बंद कर, ये बताओ अंदर कितने लोग रहते हैं? वो औरत थी, उसका पति था, एक नया सिक्योरिटी गार्ड ज्वाइन किया है, कुल मिलाकर 3 लोग रहते हैं। ठीक है, तू साइड में खड़ा हो जा। सारे रूम चेक कर लिए क्या? चेक कर लिया सर। टेरेस जाके चेक किया? नहीं सर। तो पहले जाके चेक करो। ठीक है सर। नहीं, वो सब मुझे पता है, आप साइड में रहो, साइड में रहिए सर। रिश्वत के पैसों से बहुत बड़ी जमीन खरीदी है, लिख दूं क्या? क्या हो रहा है सर? प्लीज हमें जाने दीजिए। सर हाँ सर, मैं ऑलरेडी इधर ही हूँ सर। ओके सर, ओके। ए कांस्टेबल, डीसी सर आने वाले हैं, सारे क्राउड को हटाओ यहाँ से। चलो साइड हटो, साइड साइड हटो, हटो साइड हटो। चलो देखिए आप लोग, आप उससे डरिए। वहां है सर। ये खून किसी साइको किलर ने किया है सर। पशुपति? यस सर। इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करते रहो, एक्यूज्ड कौन है ये मैं डिसाइड करूंगा। ओके सर। बाहर जो चैनल 9 वाले हैं उन्हें अंदर भेजो। मैडम आपके चैनल को अंदर। ओके, एक बाइक ले लेते हैं फिर चलते हैं। सर सर जाने दीजिए। वेला स्वामी इधर आओ। उस लड़की ने डीएसपी के साथ पढ़ाई की है क्या? हमें नहीं पता सर। वो जो छापेंगे वो न्यूज़ है और हम लोग लूज हैं। अब ये बातें हमसे आप क्यों पूछ रहे हैं? हाँ? सर, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? नेम प्लेट पे लिखा हुआ है वी स्वामी। तुम्हारे पिताजी का नाम वेलु स्वामी है क्या? जहां तक हमारा सोचना है ये पारिवारिक झगड़ों की वजह से खून हुआ है। अभी इस केस का FIR दर्ज करके हम। सर एक आदमी ऊपर घायल तड़प रहा है। पशुपति एम्बुलेंस को फोन करो। ओके सर। हेलो आयुष हॉस्पिटल, हाउ मे आई हेल्प यू? ये 108 है ना? सॉरी सर, रॉन्ग नंबर। क्या रॉन्ग नंबर है? मैंने तो सही नंबर डायल किया है। सॉरी सर, ये आयुष हॉस्पिटल है। कुछ भी हो, हॉस्पिटल तो है ना। मैं ऐसा ही पशुपति बोल रहा हूँ, इमीडिएटली एम्बुलेंस चाहिए। सॉरी सर, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है, यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं है सर। हॉस्पिटल है और एम्बुलेंस नहीं है, यहाँ एक आदमी तड़प रहा है, इमीडिएटली एम्बुलेंस भेजो क्विक। पशुपति, वो जख्मी आदमी ऊपर निकल गया, अब उससे कोई फायदा नहीं, एम्बुलेंस को छोड़कर सेमेट्री बुलाओ। क्या रे, क्या हो गया? अरे यार, जो भी 108 डायल कर रहा है उसका कॉल यहीं पर आ रहा है, अभी पुलिस का फोन था, एम्बुलेंस के लिए बोल रहे थे। अगर ऐसा है तो MD को कॉल करके बताना। मैं किसी के लिए अपने आप को नहीं बदलने वाला, देखो मैं ऐसा ही रहूंगा और हमेशा की तरह तुम चुप बैठो। हेलो सर। हेलो, हर 10 मिनट में मुझे मैसेज आना चाहिए, कितनी बार बोलूं मैं ये? सॉरी सर, वो मैं काम में थोड़ी सी बिजी हो गई थी सर। क्या बिजी हो गई थी? हाँ, तुम्हारा वर्क ही यही है, हर 10 मिनट में मुझे मैसेज आना चाहिए। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सर वो पुलिस का, हेलो हेलो। नसीब है चाहे जिसे दूर से दुनिया, वो मेरे करीब है। जाओ खाना खाओ, जाओ। ब्रेकफास्ट रेडी है? मैम, मैं दीपक बोल रहा हूँ, आप कैसी हैं? हे हे, कितनी बार बोलूँ मैं, ये हिंदी चैनल रिचार्ज मत किया करो, हाँ?
अगर दोबारा इस घर में किसी ने ये सब देखा तुम लोग कभी टीवी नहीं देख पाओगे। इतने सालों से मुंबई में हूं लेकिन किसी अपने ने मेरी मदद नहीं की। अगर आज मैं इतना बड़ा आदमी बना हूं तो ऐसे ही नहीं बन गया हूं। बहुत तकलीफ उठाई है, बहुत मेहनत भी की है मैंने। अगर लोगों को मेरी तरह बनना है तो उन्हें भी मेरी तरह मेहनत करनी पड़ेगी और ये इतना आसान नहीं है। तुम्हारे पिताजी का समय अच्छा था कि मर गए बेचारे, वरना उनको अपने हाथों से मार देता मैं। उन्हें पता था कि मैं टीवी वगैरह पसंद नहीं करता लेकिन नाटक करके मेरे गले बांध दिया तुम्हें। तुम एक्ट्रेस हो ये बात मुझे पहले पता नहीं थी। अगर मुझे फिल्में देखने का शौक होता तो मुझे पता चल जाता कि तुम्हारा बाप कितना बड़ा फ्रॉड था। थैंक्स टू योर फादर द ग्रेट मॉडल कोऑर्डिनेटर, आज उसकी वजह से मैं तुम्हें झेल रहा हूं। वो मैसेज किसके है जरा देखना। ये क्या है? आई लव यू का मैसेज आया है, ये क्या चल रहा है, कौन है ये? शो मी, लेट मी सी, शो मी, शो मी। कुछ नहीं है, ये हॉस्पिटल स्टाफ न्यूली जॉइंड, और कुछ नहीं, जस्ट अ इन्फेक्चुएशन। बट इट इज, बट व्हाट? सारी लड़कियां मुझे पसंद करती हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? बुड्ढी जी साहब, इतनी उम्र हो गई है तुम्हारी, अभी तक डोसा बनाने नहीं आया तुम्हें? शिवा, देखो जरा कौन आया है, योर मेल हेटिंग फ्रेंड द ग्रेट जर्नलिस्ट। अंदर आओ, अंदर आओ, आओ। जेम्स, लिसन, देयर इज अ लिमिट फॉर एवरीथिंग। क्या समझते हो कि तुमसे कोई सवाल नहीं करेगा? आई विल रूइन योर लाइफ, आई हैव पीपल टू डू इट फॉर मी। सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गई। सुबह सुबह एक जगह मर्डर हुआ था, वहां गई थी। दो लोगों का बड़ी बेरहमी से किसी ने खून किया था। ये क्या है, सुबह सुबह शुरू हो गया क्या? ऐसा कुछ नहीं है। शिवा, डोंट वरी यार, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। मां, वो विक्ट्री ना इधर से गुजरेगा, जैसे ही आए मुझे बताना, पिछले 3 महीने से किराया नहीं दिया है। मुझे देखकर वो छिप जाता है, तो मैं अंदर छिप जाऊंगा और आप विसल मार देना, मैं बाहर आ जाऊंगा। विसल मारना आता तो है ना? हाँ, अरे ये हुई ना बात। पता नहीं इस बुढ़िया को ठीक से दिखेगा भी कि नहीं, देखते हैं। जहाँ तक हमारा सोचना है, ये पारिवारिक झगड़ों की वजह से खून हुआ है। पारिवारिक झगड़ा? हे बुड्ढी, ऐसे क्या फूंक मार रही है? तुम्हें विसल बजाना आता है क्या? विसल बजाना सीखना है? ये देख इधर, अभी दिखता हूँ। और इस महीने का ऐड करके चौथा हो जाएगा, कब देगा किराया? सर, अगले 4 दिन में गन की तरह किराया मिल जाएगा। बकरा है तू, 4 दिन 4 दिन कह के तूने पूरे 4 महीने लगा दिए। पहले केवल टीम में काम करता था तो भरोसा था कि पैसा आएगा, लेकिन अब तो तूने वो काम छोड़ दिया। तूने कुछ पढ़ाई की है क्या? बताना क्या पढ़ाई की है? मैकेनिकल इंजीनियर। तो उस पढ़ाई के जरिए किसी कंपनी में काम कर सकता है, लेकिन तू ऐसे आवारा की तरह घूमता क्यों? मैं काम नहीं करता, ये देखो घर के लिए टमाटर ले जा रहा हूँ। छोड़ दे उसे। माँ, तू इसकी माँ या मेरी माँ? अरे क्या बात करते हो, खुद की माँ पर शक करते हो क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी माँ पर शक कर रहा हूँ? अरे तू मुझे बेवकूफ मत बना। क्या हुआ? माँ, 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 क्या हो गया? माँ क्या हो गया तुझे? तू इसी तरह सांस लेती रही, मैं अभी आया, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। माँ जी, क्या हुआ? जा जा। अरे इनहेलर का रखा, मिल नहीं रहा। ए माँ, इनहेलर का रखा। ओ माँ, तूने उसे बचाने के लिए ऐसा नाटक किया, तू अगर ऐसे करती रहेगी तो मैं क्या करूंगा? देखा जा रहे। ए माँ, टमाटर उधर रख दिया, ले ले। जरा सुन, तूने बादशाह भाई से 15,000 उधार लिए हैं क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। तू मुझसे झूठ बोल रहा है? तेरे पिताजी ने लोगों से जो कर्जा लिया है उसे चुकाने के लिए मैं अब तक 4 घरों के बर्तन धो रही हूँ। अगर तू भी ऐसा करता रहा तो मुझे बर्तन ही धोने पड़ेंगे। अरे माँ, क्या हो गया है तुम्हें, क्यों सुबह सुबह इतना चिल्ला रही हो? देखो तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, ठीक है? माँ जा रही हूँ। अरे रुक बेटा, कुछ खा के जा। सुनो। नहीं माँ, कॉलेज की
खाएंगे। अगर नहीं खाना था तो पहले बताती। ये लड़की भी ना, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बेटी कॉलेज जाती है? क्या तुम्हें बताओ कहाँ जाती है? फिर वो पिछले हफ्ते केबल टीवी वाले लड़के के साथ बीच पर घूम रही थी, रमेश ने मुझे बताया। सुनो चुप करो, खबरदार दोबारा मेरी बेटी के बारे में कुछ गलत कहा तो अच्छा नहीं होगा। चिड़िया को कुछ बोलो तो बड़ी चिड़िया को गुस्सा आता। क्या क्या कहा आपने? हाँ मैंने कुछ नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा खून मेरे जैसा ही होगा। जाओ नाश्ता करो। बंगार, सच्ची बात कहने का तो जमाना ही नहीं रह गया है, जिसको कहो गुस्सा ही हो जाता है। कैसा लग रहा है? अच्छा तो है। किसका ऑटो है? क्या किसका ऑटो है? अरे ये हमारा ऑटो है, ये ऑटो हमारी जिंदगी में बदलाव लाएगा। ऑटो चलाकर पैसे कमाने की बात छोड़ो, वो केबल के काम का क्या हुआ? अरे छोड़ो, केबल का काम कोई कलेक्टर का काम है क्या? जब देखो खंबे पर चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो, बहुत रिस्क है उस काम में, इसलिए वो काम छोड़कर मैं ऑटो चलाने लग गया। वहाँ काम करते थे तो कम से कम पगार तो मिलती थी। महीने में 10,000 ये कोई पगार होती है क्या? ये ऑटो चलाकर कितना पैसा कमाता हूँ ये देखना तुम। पहले सिक्योरिटी में काम किया, फिर केबल में काम करने लगे और अब ऑटो चलाने लगे। इतनी पढ़ाई की है तो कोई जॉब क्यों नहीं तलाश कर लेते तुम? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कब समझोगे तुम? हाँ ओ प्रिय, ये भाषण बंद हो गया तो अब चलें क्या? हेलो, कहाँ हो तुम? मैं चर्च के बाहर हूँ और किड्सन अंदर प्रे कर रहा है। चर्च में? लेकिन बगल से तो कुछ और ही आवाज आ रही है। कौन है वहाँ? झूठ मत बोलो, कहाँ हो तुम? I'm at the church, damn it. Huh? Damn it. शिवा, मैं तुम्हें इनसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। Hi, I'm James. शिवा, मेडिकल टूरिज्म कर रहा है। हेलो, अभी 10 मिनट के बाद सर का फोन आएगा तो कहना मैं अभी आई हूँ। हाँ। अगर मुझसे बात करनी है कहेंगे तो कहना मैं नहा रही हूँ। हाँ। अगर दोबारा 10 मिनट के बाद फोन करेंगे तो कहना मैं सो रही हूँ। ठीक है मालकिन। सो आज तुमने क्या प्रे किया? एक विक्ट्री नाम का बैट्समैन है, सुपर बैट्समैन है, वो बीमार होना चाहिए ऐसा प्रे किया। तुम्हारी टीम जीत जाए ये प्रे करना चाहिए था। अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशी बिगाड़ने के लिए प्रे करना गलत बात है। तुम हार्ड वर्क करो, जीत तुम्हारी होगी। हेलो, कैसा लग रहा है मेरा लुक? सत्या, वो जो मर्डर हुआ है मुझे नहीं लगता फैमिली इश्यूज की वजह से हुआ, लगता है जरूर उस साइको किलर ने ही ये खून किया होगा। देखो मालनी, इस खून वाले केस को लेकर होम मिनिस्टर काफी फजीहत कर रहे हैं। अगर हमने कहा कि ये साइको किलर का काम है तो कहानी खत्म। इसलिए तुमने ये बता दिया कि ये फैमिली इशू था, कुछ और भी तो बता सकते थे ना? जिसकी डेथ हुई है उसका बेटा फॉरेन में रहता है, उसको इन्फॉर्म करने के लिए हमने उसका नंबर ढूंढा और उसे फोन करके इन्फॉर्म करने की कोशिश भी की, लेकिन फोन कट कर दिया उसने। दोबारा फोन किया तो फोन स्विच ऑफ। तो सोच लो इनके लिए कितना प्यार उसके मन में होगा, इसलिए मैंने पारिवारिक झगड़े का नाम दे दिया ताकि वो न्यूज सुनकर भागा चला आए। इतना ही नहीं, उस घर में रहने वाले 3 सदस्य हैं, लेकिन वहाँ बॉडी मिली सिर्फ 2 लोगों की। जल्द ही ज्वाइन हुआ सिक्योरिटी मिसिंग, मुझे सिक्योरिटी वाले के ही ऊपर डाउट है। इन केस अगर मेरा डाउट सही है तो सिक्योरिटी वाला जरूर आएगा। जो अपने दिल पर लेता है वो साइको किलर बन जाता है। देखा है उस साइको के बारे में? ये साइको बता रहा है। ए मीनाक्षी, तुम्हें विसल बजाना आता है? दादी माँ, मुझे बजाना आता है। भाई मुझे जो पता था साइको के बारे में वो मैंने बता दिया। ए विक्ट्री की माँ रुको, तुम अपने आप को समझती क्या हो? आप खुद तो घर पे रहती नहीं हो और आपका बेटा मुझे देखकर भाग जाता है। नहीं मुत्तू का क्या है कि? क्या ये मुत्तू, क्या वो मुत्तू? काम करके पैसा कमाती हो ना तो किराया देने का मन नहीं करता क्या? नहीं, वो मेरे पास अभी 1200 रुपए है, लेकिन वो भी मैंने अगले महीने की पगार एडवांस में ली है। आजकल मुझे पगार बराबर नहीं मिलता तो इसमें। बस करो, मुझे तुम्हारी परेशानी की कहानी नहीं सुननी है, मेरी भी बहुत परेशानी है। जल्द से जल्द बाकी के पैसों का इंतजाम करो। सब कुछ तुमने छीन लिया है तो क्या करेगी? कुछ तो वापस करो। बुड्ढी अपना मुंह बंद रखना। एक काम कर, तू घर के बाहर धर्मशाला का बोर्ड लगा दे। कैसा नसीब है मेरा, कैसी मां मिली है, कर्म फूट गए मेरे। मीनाक्षी बुरा मत मानना, इसके पास भी कहीं और से पैसे नहीं आते इसलिए इतना गुस्सा करता है। कोई बात नहीं, जाने दीजिए। अगर मेरा बेटा ठीक तरीके से काम करता तो मुझे ये तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। मैच बहुत जबरदस्त था। चलो भाई कल मिलते हैं, निकलो ना। माँ खाना क्या बनाया है?
क्या रे, तेरी माँ काम पर जाकर इतनी तकलीफ उठाती है, तुझे इसका जरा भी एहसास नहीं? तुझसे सिर्फ 2 साल छोटा है वो बेलू। काम करके पैसा कमा के अपनी बहन की शादी करवाई और 10 तोले का सोना भी दिया उसने, और तू है जो काम नहीं करता। अच्छा छोड़, तूने जो ऑटो लिया है वो तो ठीक से चलाना चाहिए ना, पर वो भी नहीं, छोटे बच्चों की तरह क्रिकेट खेलने चला जाता है। तू जिम्मेदारी कब समझेगा? क्या माँ, मैं ऑटो ठीक से चला रहा हूँ ना, क्यों हर वक्त भाषण देती रहती हो? सब बदलेगा, थोड़ा शांत रहो। वो शांता बाई का बेटा बीच रास्ते में रोककर मुझसे किराया मांग रहा है। मेरे हाथ में जो 1200 रुपए थे वो भी उसने छीने। अब बस में जाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। तो क्या हो गया माँ, थोड़ा शांत रहो ना, पैसा आ जाएगा। आएगा, तेरे पिताजी छत फाड़ कर देंगे। हाँ माँ, मेरे पिताजी छत फाड़ कर पैसे भेजेंगे और तुम वो सारे समेट लेना। टीवी है लेकिन चलेगी नहीं, खाट है लेकिन सो नहीं सकते, इजी चेयर है लेकिन बैठ नहीं सकते। तू चाहे तो ये सब ठीक कर सकता है लेकिन करेगा नहीं। तुझे बोलकर क्या फायदा है, तू अपने बाप का ही बेटा। विक्ट्री की माँ, हाँ, सीरियल चालू हो गया है। हाँ आती हूँ। सीरियल देखने के लिए टाइम पर पहुँचाओगी? हाँ हाँ, मुझे टाइम पास करने के लिए यही एक साधन है और मैं क्या करूँ। चल मिली है, उसके मुताबिक जो खून हुआ है वो साइको किलर ने किया है। डीसी साहब कहना है कि देखना, वो साइको एक दिन तुम्हारा गला भी दबाने आएगा। लेकर हम जल्दी आपके पास। मेरी माँ के हाथों से पैसे छीने ना, अभी बताता हूँ। डीसी सत्या ने न्यूज़। ए माँ, तूने गलती से रिमोट तो नहीं दबा दिया? मैंने कुछ नहीं किया, तुमने ही किया होगा। चाकू क्यों दिखा रही है? तुम्हें ये सब चाहिए? मुझे टीवी सीरियल देखने से रोक रहा था। सीरियल देखने के बजाय एड दिखा के दिमाग खराब कर देते हैं ये लोग। ये और लेट हो रहा है, प्रोडक्ट लॉन्च है, मुझे तुम दोनों से बात करनी है। लेकिन अभी जो लिमिट हैप्पी फॉर तुम कह रही थी ना, पैसा नहीं है, ये लो ये रख लो। कितनी बार बताओ, मैं इंफोसिस ट्रेनिंग की मैनेजर हूँ। बॉस आ गए, बाद में बात करती हूँ। आइए मैडम। आओ बेटा। अभी तक उस घर के लिए कोई किराएदार नहीं आया क्या? अभी तक तो कोई नहीं आया मैडम, लोग देख के चले जाते हैं, पर इस घर का जो ब्रोकर है वो बहुत अच्छा इंसान है। अब कैसी हूँ माँ? मैं ठीक हूँ। किस्टन, पढ़ाई कैसी चल रही है? आज मैच है, घर जल्दी जाना है मुझे। हाँ जल्दी जाएंगे। क्या बेटी, जब भी तुम्हें देखती हूँ तुम्हारे चेहरे पे गुस्सा रहता है, क्या बात हो गई है? वो एक दिन भी हम लोगों को यहाँ रहने नहीं देंगे, और घर पर भी शांति नहीं है, रोज रोज परेशानी झेलनी पड़ती है। इन सब की वजह तुम्हारा पति है। मम्मी मम्मी चलो ना, चलते हैं। किटसन, बाहर जाकर वेट करो। शीबा, मेरा गुस्सा अपने बच्चे पे क्यों उतार रही हो? मैं एक जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, क्या वो गलत था? अगर मुझे मर्जी से पढ़ने देते तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। एक बात साफ कहती हूँ माँ, जैसा पिता मुझे मिला है वैसा पिता किसी को भी ना मिले। तुम्हारा ये कैमरा लेकर घूमना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम जैसी लड़कियों को कैमरे के पीछे नहीं बल्कि हमेशा कैमरे के आगे की तरफ होना चाहिए, ताकि तुम्हें सही एक्सपोजर मिल सके। You got it? तुम चिंता मत करो बेटी। नित्या 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 नित्या, ए नित्या। हाँ मैडम। कितनी बार बुलाना पड़ेगा तुम्हें? 1000 बार तुमसे कहा है, काम के वक्त फोन पर बात मत किया करो। मेरे सामने माँ तुझे 10 बार पुकार रही है, तो मेरे पीठ पीछे तुम क्या करती होगी? शिबा, जाने दे मत डांट। नित्या, जरा वो बैग ला कर देना। तुम ही इसे सर पर चढ़ाती हो। जाने दो नित्या, शिबा को कवर दे दो। कैमरे को ठीक करने के लिए कई जगहों पे दिया, लेकिन इसके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे थे।
थैंक यू माँ। ए, ए, माइक को हाथ मत लगाना। ए, 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 नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, माइक नहीं दूंगा। ए, मेरे ऊपर हाथ उठाया, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ, छोड़ूंगा नहीं। ए, चले, चल सर, डक्का नहीं मारने का। ए, अरे क्या है ये, फुटबॉल खेलने वाली जर्सी है ये, और तू ये लेकर चला आया? अरे ये खरीद कर थोड़ी ना लाया होगा, फुटबॉल टीम प्लेयर से भीख मांग कर लाया होगा। तुमने मुझे 1000 रुपया दिया उसे टी शर्ट खरीदूंगा क्या? ए, जो 1000 रुपया दिया उसका ताना मार रहा है क्या? ए भाई इसको पैसे दे दे, हम लोग चलते हैं। मैं नहीं दूंगा। ए, अरे क्या हुआ, 1000 रुपया दिया तो ये मुझे ताना मार रहा है, इसको और पैसे दे दे, हम लोग निकलते हैं। चल निकल। कैसी बातें कर रहा है, मैंने तेरे लिए पैसे जमा किए और तू मेरा ही जेब खाली करवाने के पीछे पड़ा है। चल जा, तू खेले ना खेले कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मैं मजाक कर रहा था, चल इधर आ। अगर तेरे साथ और रहा ना तो तू मुझे बेच देगा। अरे क्या यार, ये समझता ही नहीं है। रायबरम टीम ने 8 ओवर में 110 रन बनाए हैं। अब पटना पाकम वेल टीम खेलने जा रही है, स्टंप तैयार कर रहे हैं। दोनों टीम काफी टक्कर की टीम है, ये टीम भी काफी अच्छे तरीके से खेलेगी। देखिए पटना पाकम टीम से जोरों का छक्का मारा जा रहा है, इनके इस तरह के खेलने से लगता है कि दूसरी टीम हार जाएगी। ये सामने पीली टी शर्ट पहने खिलाड़ी काफी अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, अब ये देखना है कि पटना पाकम की टीम जीतेगी या रायबरम की टीम। टक्कर बहुत ही जोरदार है, खेल का मजा लेते रहिए और तालियां बजाते रहिए। मैं जिससे शादी करना चाहती हूँ वो थोड़ा ऊंचा हो और थोड़ा कलरफुल भी, नॉर्मल गोरा हो तो भी चलेगा। हे, तू शादी करके क्या कर लेगी? हाँ, एक के साथ ही पूरी जिंदगी गुजारेगी क्या? मुझे तो ये शादी वादी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है एक दिन तुम शादी जरूर करोगी। सच में नहीं करूंगी। लव यू बेबी। लव यू टू। हाय शिबा। हाय। हे फोटोग्राफर, एक हमारी भी फोटो खींच लो। हाँ श्योर। लुक शिबा, तुम्हारे लिए एक्टिंग का बहुत अच्छा मौका है। एक्शन। हमारी शादी नहीं हो सकती वीरू। कमिंग फॉरवर्ड। तो मैं वो करूँगा जो मजनू ने लैला के लिए किया था। इमोशन। रोमियो ने जूलियट के लिए किया था। थोड़ा सा और इमोशन। क्या किया था? सुसाइड, सुसाइड। इस तरह से एक खिलाड़ी आउट हो गया है, अभी रिक भी खेलने आ रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छा खेलेंगे और अपने टीम को सहारा देंगे। शाबाश शाबाश। और इस तरह से बहुत अच्छा शॉट मारा है, सीधा 6 रन। ए बैक बैक थ्रो बैक। मार 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 मार। और इस तरह से एक और सिक्स। मार यार मार। ए देखा ना क्या सिक्स मारा उसने। ए दे मुझे। खेल रहे हैं बिल्कुल जमे हुए हैं बैटिंग पे। जहाँ बैठे हैं ना उस जगह पे बॉल आकर आपको लग सकती है। मैम मैं दीपक बात कर रहा हूँ। इस तरफ देखिए मैम, इस तरफ स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपसे मुझे कुछ बात करनी थी। मैं तुमसे बात क्यों करूँगी? मुझे बात नहीं करनी है, फोन रखो। बहुत ही शानदार, और जिस तरीके से विक्ट्री खेल रहे हैं लगता है कि टीम की जीत निश्चित है। और एक बार फिर बेहतरीन शॉट, और ये आखिरी बॉल, और इस पे इन्होंने सिक्स मारा और ये इनकी टीम जीत गई। एक बेहतरीन जीत, विक्ट्री ने रायबरेली की टीम को जीत दिला दिया है। पटना पाकम की टीम हार चुकी है। क्या माँ ऐसे क्या देख रही हो, आवाज सुन रही हो ना, हमारी टीम जीत गई है जैसा मैंने बोला था। ऐसे बोल रहा है जैसे वर्ल्ड कप जीत कर आया है। आ? जो जीत कर आया है उसे घर में क्या चावल बनेंगे? अरे क्या माँ। हेलो। अरे पार्टी देने की पार्टी। बोलो ना। पिताजी को सब पता चल गया। ए जरा चुप बैठो रे तुम लोग। मेरे पिताजी गुस्से में मेरे लिए कोई फैसला ले ले, उससे पहले तुम आकर मुझे ले जाओ। अरे क्या लेकर जाओ, तुम मजाक कर रही हो क्या? ये सब इतना आसान है क्या? मैं पहले ही इतनी परेशानी से गुजर रहा हूँ। मेरे खुद के खाने के वांदे हैं, और ऊपर से तुम्हें मैं अपने साथ मेरे घर ले आऊँ। ठीक है थोड़ी देर शांत रहो, मैं सोचकर तुम्हें बताता हूँ, तब तक हिम्मत से काम लो। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था ना कि मेरे घर वालों को शायद मुझ पर डाउट है। तुम कुछ भी करो मुझे यहाँ से लेकर जाओ। ए मित्रा मेरी बात समझने की कोशिश। कुछ नहीं समझता है। तुम बस यहाँ जल्दी आओ और मुझे लेकर जाओ, वरना मैं सुसाइड कर लूंगी। क्या हुआ भाई, तू इतना उदास क्यों हो गया? किसका फोन था यार? Shh.
यहाँ न मत रो। मुझे पता है सब कुछ। जो भी बातें हैं बाद में करेंगे, अभी चल यहाँ से, आ जा। माँ, ये ले। माँ, ये भी ले। ये क्या? तुम पहले यहाँ से चलो। चलो बेटी। अरे कह रही हूँ ना, चलो। तुम जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। अरे मैंने कहा ना, पिताजी, पिताजी। तुम जाओ, मैं उनको संभाल लूंगी। मेरी बेटी की खुशी सब कुछ है मेरे लिए, इसे लेके जाओ, अच्छे से रखना इसे। गुड मॉर्निंग सर। क्या रे, ये कलर ड्रेस पहनकर आया है? आज बर्थडे है क्या? मफ्टी है सर, आपने तुरंत आने के लिए कहा था इसलिए ऐसे चला। क्यों, किसी की मैयत में आया है क्या? और उस मर्डर केस का क्या हुआ? सर उस केस में अभी तक कोई क्लू नहीं मिल पाया। तो फिर? सर वो खूनी कोई भी एविडेंस छोड़े बिना एक के बाद एक खून परफेक्टली कर रहा है। यहाँ तुम उसकी तारीफ करने आए हो क्या? तो फिर इस डिपार्टमेंट में काम ही क्यों कर रहे हो तुम? कब पकड़ोगे उसे ये बताओ। सर मैं ढूंढ रहा हूँ उसे, बहुत जल्द पकड़ लूंगा। तब तक मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मुझे बहुत सारा काम है। जब मैं उसे पकड़ लूंगा उसके साथ हाजिर हो जाऊंगा। कौन है रे ये, ऐसे आया है और बिना इज्जत दिए चला गया? तो फिर मैं यहाँ मंत्री बन के क्यों बैठा हुआ हूँ? ऐसे खाली हाथ क्यों चली आ रही हो? दूध का गिलास कहाँ है? अच्छा तुम्हारा ऑटो कहाँ है? ऑटो ही तो बेचकर लोगों को खाना खिलाया ना। लोगों ने कहा था कि तुम उनको खाना खिलाओ, या मैंने तुमसे कहा था कि ऑटो बेचकर ये शादी करो? ए, शादी के लिए करना ये सब रिवाज है और ये सब करना ही पड़ता तो है। फिर कल घर चलाने के लिए क्या काम करोगे? अरे वो सब मैं संभाल लूंगा, अपने हिसाब से मैनेज कर लूंगा, तुम उन सबकी चिंता मत करो। मैं चिंता ना करो, तुमने तो 10 बैंक में 10 करोड़ रुपए जमा करके रखे है ना। 10 करोड़ जमा करके रखे ये सोचकर तुमने मुझसे शादी की है क्या? तुमने करोड़ों रुपए जमा करके रखे हैं ये सोचकर मैं तुम्हारे पास नहीं आई हूँ विक्ट्री, अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताने आई हूँ। अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, क्यों तुम इस बात को सीरियसली ले रही हो? ठीक है चलो टाइम हो गया, बाकी बातें कल सुबह कर लेंगे। कहाँ लेकर जा रहे हो? ए, अपनी फर्स्ट नाइट है यार। जिसके पास काम धंधा नहीं उसकी फर्स्ट नाइट भी नहीं। पहले जाकर काम धंधा करो, पैसे कमाओ, उसके बाद फर्स्ट नाइट के बारे में सोचना, ठीक है ना? या भाई, सिर्फ बैट पकड़ कर बैठे हो, अगर मुझे दोगे तो मैं खेलूंगा ना। काम का नहीं है यार। भाई बस 5 लाख रुपए हो जाए ना तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व। भाई और समुद्रन का कर्जा चुक जाए ना तो उसके बाद मस्त अपने एरिया में एक मोबाइल शॉप डाल के बैठ जाएंगे। कितना? 5 लाख रुपया। 5 लाख? इस एरिया में हम चोरी भी करेंगे ना तो भी नहीं मिलने वाले। देख लो कोई देगा क्या। अरे यार तू कहीं भी जाके अच्छा काम कर सकता है, फिर लोगों से उधार लेने की बात क्यों कर रहा है? पागल हो जैसी बात मत कर, आजकल 15,000 की नौकरी में कोई दांत भी नहीं घिस सकता है, कुछ तो बड़ा हाथ मारना ही होगा यार। यार विक्ट्री अपने भाई के पास कितना पैसा है तुमने देखा है ना, उसके पास पैसा कहाँ से आया? रियल इस्टेट, घर का ब्रोकरेज, ट्रेवल्स, कार का सेल्स, ये सब करके उसने इतना पैसा कमाया। तुम्हें भी अगर पैसा कमाना है तो उसका असिस्टेंट क्यों नहीं बन जाते? एक बार काम सीख लो फिर अपना अलग धंधा शुरू कर देना। यार तू क्या बात कर रहा है यार, एक तो मैं पहले उसे 15,000 रुपए कर्ज ले चुका हूँ और अभी कौन सा मुंह लेकर उसके पास जाऊंगा। मेरे पास एक आइडिया है, पल्लीकरण में एक जगह कचरे का ढेर है, वहाँ बहुत सारे पुराने सामान यूं ही पड़े रहते हैं, अगर हम उन्हें बेच दें तो हमें बड़ी आसानी से काफी पैसा मिल सकता है। वो सुधाकर है ना, ये करके अभी दुबई में है। वो सब तो ठीक है लेकिन अंदर कैसे जाएगा? सिक्योरिटी वाले को पैसे खिलाकर सेटिंग कर लेंगे। समझता नहीं है यार। अगर पैसा मिलता है ना तो उसके लिए हम कुछ भी करेंगे, लेकिन उससे पहले बादशाह भाई से मिलना पड़ेगा। ए, इस काम के लिए तो हेल्प करना यार। आओ प्रिया, आओ बैठो। मेरे माला माला मेरे माला मन मत वाला क्यों हुआ, अरे मन माला माला मेरे माला मेरे माला। हेलो, अपने बेडरूम के बाहर के टेबल पर एक जोसेफ नाम का विजिटिंग कार्ड होगा, जरा वो नंबर देखकर बताओ तो। होल्ड इट। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। सर जेम्स, जेम्स जेम्स, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। ऐसा मत कहो, मुझसे नाराज होकर मुझे अवॉइड मत करो प्लीज। सुपर, सुपर।
मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आई लव यू जेम्स। वंस मोर आई लव यू सो मच। तुम मुझे पूरे के पूरे चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है, आइंदा तुम ऐसा मत करना। जाओ 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 जाओ। हेलो, जोसेफ का नंबर यहाँ नहीं है। नो प्रॉब्लम। बाय बाय विक्ट्री। जरा विसल बजाना। ए बुढ़िया, तू हर बार विसल बजाकर मुझे फंसाती है ना, तेरी तो। हे विक्ट्री, हे विक्ट्री, रुक ना, रुक। अरे रुक विक्ट्री, ये देख। क्या है ये? ये साइको किलर है। अगर हम इसे पकड़वा दें तो पुलिस हम लोगों को 2 लाख देगी। 2 लाख में से आधा तेरा और आधा मेरा, 50-50 कर लेंगे। पागलों जैसी बात मत करो, चलो। रुक, पैसों के लिए लोग बाग पता नहीं क्या क्या करते हैं, और ये तो एक खूनी है, इसको पकड़वाने पर 2 लाख मिलेगा। फिर तू इस काम के लिए इनकार क्यों कर रहा है? तू ही पागल है। अरे मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, तू इधर क्या देख रहा है? क्या रे मानिक बादशाह, ऑटो चलाकर बहुत पैसे कमा लिए तूने। फोन कर रहा हूँ तो फोन नहीं उठा रहा है, आजकल बहुत बिजी है। नहीं भाई, वो पैसा। क्या बोला? जानता ना कितने पैसे ले चुका है? बोल। 80,000 रुपए। ब्याज के साथ कितना होगा? पता है मुझे, 1,20,000 रुपया। ए 1,80,000 हो चुका है, कब देगा बोल? एए। 3 महीने में तेरा पैसा तेरे पास आ जाएगा। ए 3 दिन, अगर पैसे नहीं मिले तो सोच लेना। अभी चलते हैं, चलो रे। अरे कौन है रे ये लोग, तुझे गाड़ी देके चले? उतनी डिमांड है जी, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, बाद में आपकी मर्जी। अरे काट दिया। नमस्ते भाई। ये काम 1 साल पहले कर लेना चाहिए था, पर अब कल आई है। चलो तुम कह रहे हो तो मैं इसे रख लेता हूँ, अंदर आओ। आ जा। क्या बादशाह भाई, गाँव से इतना दूर ऐसा घर बनाओगे तो भाड़ोतरी के लिए कौन आएगा? ये क्या बकवास कर रहे हैं? चेन्नई के गरीब कहकर चंगल पट्टे में घर बनाकर बेचने का जमाना है। विक्ट्री, मैं कस्टमर के साथ कैसे डील करता हूँ तो उस बात पर ध्यान रखना। जैसे ही कस्टमर अंदर आए तो पहले दरवाजे से लेकर आखिरी दरवाजा सब खोल दो, सारी खिड़कियां खोल दो, फटाफट पूरी हवा अंदर आएगी। इस एरिया में इस फैसिलिटी के रूम्स इतने कम किराए पे नहीं मिलेंगे, ऐसा बोलना है। बड़ा चढ़ा के बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। अब देखो विक्ट्री, विक्ट्री कौन सी चाबी होगी? भाई ये क्या है भाई? अरे वो इस घर की नौकरानी है, मैंने इसको इस तरह कबाड़ खोल के चोरी करते हुए कई बार देखा है। उस घर में कोई नहीं है क्या बादशाह भाई? ना एक बुढ़ी रहती है, बहुत करोड़पति औरत है, उसकी देखभाल करने के लिए नौकरानी है। अगर रात में उस कबाड़ को खोला जाए और उसके अंदर देखा जाए तो वहाँ कम से कम 20 लाख रुपए मिलेंगे। दूसरे का पैसा हमें क्यों चाहिए भाई? या अल्लाह, अरे मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था यार। पार्टी का फोन है। सर आइए 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 सर। सर ये है यहाँ का सबसे बड़ा हॉल, ये अटैच बाथरूम, उधर बेडरूम, उसके आगे पूजा का रूम, उसके बगल में कॉमन बाथरूम। विक्ट्री आप लोग आइए ना, ये है OMC ग्राउंड की तरह एक बहुत बड़ा किचन, और ये स्विच, ये है पाइप, पानी नहीं आ रहा, ये फैन। लगता है इसमें पानी नहीं आ रहा। सर, ब्याज पर लिए पैसे की वजह से एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। ठीक है, कल शाम को मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। ओके, और भाई कहाँ जा रहा हूँ? ब्याज देने के लिए पैसे नहीं है तो फिर ब्याज लेते ही क्यों है? ब्याज के पैसे वसूलने में कितनी मेहनत लगती है पता है? आज उसकी अच्छी क्लास ली, वेलो भाई ने दिया कस के उसको, 3 दिन में पैसा देगा ऐसा बोला। भाई उदास दिख रहे हो। गजो के हाथ से स्लिप हुआ मल्ली का नंबर लेकर 6 महीने से गिल्ली के हिसाब से मल्ली के अकाउंट में 60,000 डाला था और 1 हफ्ते के बाद अपॉइंटमेंट लेकर रखा। बीच में किसी कमीनी ने मुझे पता भी नहीं चला और मेरे फोन से नंबर लेकर साइकिल गैप के अंदर ले जाकर ऑटो पार्क कर दिया। ए सब लोग फोन नीचे रखो। ए मल्ली ने जो नंबर दिया उस पे फोन करो। तेरा फोन है क्या? तेरा है? नहीं। तेरा है? नहीं भाई। तेरा है? मल्ली को पहले सेटिंग किया और तू उसके ऊपर नजर डाल रहा है? मुझे पहले ही शक था कि तू ही होगा। शक था मुझे। आज के बाद मल्ली के बारे में सोचना नहीं, तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा तेरे को। मेरे पास आता कर रहा है, मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है। भाई देखो, बहुत हो गया। एक तूने मुझ पे हाथ उठाया ना, अब देख मैं क्या करता हूँ। नाटक करेगा,
मेरे साथ नाटक करेगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। जाएगा कहाँ भाग के? तेरी तो अबे जोश दिखाना था तब तो दिखाया नहीं, क्या क्या करेगा दिखा के? जानदार नहीं किया, जानदार लटको। ए तेरे को छोड़ूंगा नहीं। सर, कौन थी वो? फोन पर कौन थी? कौन? दोपहर में जब आपने नंबर लेने के लिए फोन किया था, तब आपसे कौन लड़की बात कर रही थी? क्यों जानना चाहती हो तुम? वो मेरा पर्सनल है, उसमें टांग मत अड़ाओ। एक गैर लड़की आपसे आई लव यू कहेगी और मैं चुपचाप बैठूंगी? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। बीवी हूँ? देखो मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब तुम्हें अपडेट नहीं कर सकता मैं, समझ गए ना? क्यों? मुझे हक नहीं है, मैं कुछ भी नहीं पूछूं। कुछ भी मत पूछो। You are not my wife. You are just a public face. और हाँ, 7 सालों से तुम्हें झेल रहा हूँ। अब और नहीं झेलना चाहता। समझ गए? और नहीं झेलना चाहता। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। सिर्फ नाम की बीवी, नाम की वाइफ। मैं सिर्फ तुम्हारी नाम की बीवी हूँ। शायद इसलिए तुमने कभी मेरी इज्जत की ही नहीं, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ। My mother, she's bedridden. मुझे भी लगता है कि मैं अपनी माँ की देखभाल अच्छे तरीके से करूँ। लेकिन इसके लिए भी मुझे तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ती है। मैं अपने मन से हंस नहीं सकती, किसी से बात नहीं कर सकती। पता नहीं मैंने क्या पाप किए। शादी के बाद सिर्फ 2 साल मैंने तुम्हारे साथ चैन की जिंदगी जी है। पिछले 8 साल में एक बार भी तुमने मुझसे प्यार से बात की है या मुझे बाहर ले जाकर मेरी मनपसंद चीज दी है? चुप करो, क्या चिल्ला रही हो तुम? देखो, ये देखो, the mirror never hides. अच्छी तरह से देखो। अगर मैं तुम्हें बाहर लेकर के गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। बाहर घूमने जाना है, बाहर घूमने। मैं तो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। तेरी जगह अगर मैं होती ना तो चल हट बोलकर छोड़ देती। तू एक बार हाँ तो बोल के देख। तेरे हस्बैंड के खिलाफ मैगजीन का कवर पेज बनवाऊंगी मैं और लिखूंगी कि दहेज के लिए ये अपनी वाइफ को टॉर्चर करता रहता है। ऐसे जीने से तो अच्छा है कि तू उससे डिवोर्स ले ले, छोड़ देना उसे। मैं अकेली होती तो बात अलग थी, लेकिन डिवोर्स लेकर मैं किटसन को लेकर कहाँ जाऊंगी? तू क्या अनाथ है? तेरे माँ बाप नहीं है? उससे डिवोर्स दे और बच्चे को लेकर अपनी माँ के पास चली जा। हेलो मैम, कैसी हैं आप? मैं दीपक बात कर रहा हूँ। क्या आप अपने फ्रेंड के घर में हैं? तुम्हें कैसे पता? वो मैं बाहर ही खड़ा हूँ। मैं आई कम इन? क्यों क्यों? डरिए मत, एक छोटी सी बात है, बात करके चला जाऊंगा ना। नहीं, ये मेरे फ्रेंड का घर है। मैम, मैं सेल्समैन बनकर आऊंगा, मेरे पास एक प्रोडक्ट। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। जरा देखना कौन है। हाय मैडम। कौन है वहाँ? TNC शॉप से आया हूँ मैडम। कुछ नहीं चाहिए बाबा, आप जाइए। बॉडी को स्लिम करने के लिए एक बेल्ट भी है, वेजिटेबल कट करने के लिए वेजिटेबल कटर भी है, कॉफी बनाने के लिए कॉफी मेकर है और चपाती बनाने के लिए चपाती मेकर। इनसे बात करने लग जाओ ना तो अपना प्रोडक्ट बेच कर ही जाएंगे। क्या बात है, आप कुछ उदास लग रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे फ्रेंडशिप करनी है, इफ यू डोंट माइंड क्या हम बाहर कॉफी पी सकते हैं? मैं कहीं नहीं आ सकती। ठीक है, कोई बात नहीं। वेट 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 वेट, ये लीजिए। ये क्या है? देखिए तो सही। हे, मुझे लगा था मैंने इसे खो दिया, तुम्हारे पास कैसे आया? थैंक यू। आप फोटो खींचती है ना? Really, you are very talented, ma'am. फिल्मी बातें मत करो। देखिए, फिल्मी बातें नहीं कर रहा हूँ। शिवा, चाय तैयार है, आकर ले जाओ तो। ठीक है मैम, आपको फोन करूंगा, चलता हूँ अभी। Thank you.
डॉक्टर कोमाक्षी सुंदरम हो गई। ओके, लिखने के लिए अच्छा है। क्यों प्रिया, आ गई? क्या बात है? कुछ नहीं अंकल, आपसे मिलने आई हूँ। क्यों, जब से पैदा हुई हो अंकल को नहीं देखा क्या? मजाक मत कीजिए ना अंकल। ठीक है, नहीं करूँगा। पिताजी ने डांटा क्या? नहीं अंकल। भाभी ने कुछ बोला क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या है? वो ऑफिस में। ऑफिस में क्या? ऑफिस से बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। क्यों, काम बहुत ज्यादा है? नहीं, मेरा एमडी है ना, बहुत टॉर्चर करता है। जब देखो मुझे गालियाँ देता रहता है। हर 10 मिनट में मुझे फोन पर मैसेज भेजने को कहता है। फोन करके आई लव यू कहने को कहता है। आई लव यू कहने को कहता है? हाँ अंकल, अब तो ऑफिस जाने का मन ही नहीं करता। क्या नाम है उसका? जेम्स। ऑफिस कहाँ है तुम्हारा? नीलांगरे। ठीक है, तुम जाओ। जाओ, डरो मत, मैं आता हूँ। ठीक है अंकल। मैं हूं ना, डरने की जरूरत नहीं है। जेम्स की रास लीला लिख कर फाड़ दूंगा उसको मैं। हेलो मैम, मैं दीपक। हाँ बोलो। उस दिन मैं आपके फ्रेंड के घर आया था, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? कोई बात नहीं। आपके साथ कॉफी शॉप में कॉफी पीनी है। अगर आपको चेन्नई में प्रॉब्लम है तो महाबलीपुरम में एक अच्छी कॉफी शॉप है, वहाँ चले। नहीं, मैं नहीं आ सकती। एक दिन आप जरूर आएंगी, मुझे पता है। सॉरी। हे, ये क्या हो गया? कहाँ गायब हो गए थे तुम? जाओ जल्दी से ऑटो लेकर आओ। भाई सब जरा पकड़ो। आप पेशेंट के कौन? पेशेंट मेरी माँ है सर। उनको पहले भी ऐसा कभी हुआ था क्या? नहीं सर। उनके हार्ट में 2 ब्लॉक है। घबराने की जरूरत नहीं है, एक छोटी सी सर्जरी करनी पड़ेगी। आप पेशेंट का नाम बताइए और 60,000 रुपए कैश काउंटर पे जमा करवा दीजिए। 60,000 रुपए? कल सुबह 10 बजे तक जमा करवा देंगे तो भी चलेगा, तब तक उनको ऑब्जर्वेशन में रख देते हैं। तुम चाहो तो साथ में रह सकते। ठीक है सर। वो सब मैं देख लूंगा, तुम माँ का ख्याल रखो। ये लो, ये पैसे रखो, मैं जाकर आता हूँ। हाँ बोल विक्ट्री। अरे यार कहाँ है तू? यार ऑफिस से निकला हूँ, अभी घर जा रहा हूँ। अरे माँ की तबीयत ठीक नहीं है, यहाँ सुगम हॉस्पिटल में एडमिट किया है, तू यहाँ आ सकता है क्या? ए, ये तू क्या बोल रहा है यार? तू फोन रख, मैं 10 मिनट में वहां पहुंचता हूँ। हेलो मिस्टर विक्ट्री, How are you? जब भी मैं तेरे को फोन करता हूँ तो गायब हो जाता है। ठीक है, लड़के लोगों को भेजता हूँ, उनके हाथ से पैसे भेजूंगा, देना। ओके भाई, भाई जरा मेरी बात सुन। क्या हो गया रे? भाई मेरी माँ की तबीयत खराब है, यहाँ सुगम हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया है, कल सुबह ऑपरेशन करना है ऐसा डॉक्टर ने कहा है, इसलिए मुझे 60,000 रुपयों की जरूरत है। अगर आप 60,000 मुझे दे देते हैं तो मैं आपका सारा पैसा एक साथ दे दूंगा। वाह, 60,000 रुपए! देख मैं तेरे को एक आसान सा आइडिया देता हूँ, तू कहीं से 60,000 रुपए का इंतजाम कर और लाके मेरे को दे दे, वरना तेरी माँ का ऑपरेशन सुबह नहीं हो पाएगा, समझा? तेरा ऑपरेशन होगा, याद रखना। क्या हो गया रे? ए, चल मेरे साथ बताता हूँ। चल बैठ। भाई मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपए थे, एटीएम से निकाल के लाया, ये रख ले। 50,000? 2,000 तो मेरे पास भी हैं, दे दूं क्या? तुझे पहले बोलना चाहिए था ना, मेरे पापा का फोन आ रहा है, एक मिनट रुक। हेलो
बाद में मिलता हूँ। मेरे पास बिरयानी खाने के पैसे नहीं है, इसलिए 10 रुपए का बिस्कुट खा रहा हूँ। तू भी ना यार भाई, क्या बोलूं? 50,000? ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, जो भी होगा मुझे फोन करना, चलता हूँ। चल ठीक है। त्रिवल्ली केन में 70 साल के बूढ़े आदमी पर बुरी तरह से वार किया गया है। उस बूढ़े आदमी को सुगम हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। लोगों का कहना है कि ये काम भी साइको किलर का ही लगता है। चेन्नई में पिछले 2 महीनों में 12 ऐसे लोगों को मारकर घायल किया गया है। किसने किया ये सब? और खास बात यह है कि ये घटना सिर्फ बुजुर्गों के साथ ही हो रही है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? पुलिस डिपार्टमेंट क्या एक्शन ले रही है? वो डिस्ट्रिक्ट साहब आ गए। पीछे 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 जाइए, पीछे जाइए। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, पीछे प्लीज, अभी नहीं, अभी नहीं। पशुपति सर, चैनल 9 वालों को अंदर भेजो। यस सर। सिर्फ आप अंदर आओ, तुम सब रुक जाओ, चलो पीछे, चलो पीछे। ये हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। सिर्फ चैनल 9 वाले को ही अंदर बुलाया जाता है। हम लोग क्या देखने में रिपोर्टर नहीं लगते क्या? हाँ यार, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, लेंगे अंदर। दाढ़ी वाड़ी सेव करो, चेहरे पर बढ़िया से मेकअप करो, कमर तक बाल रखो, चूड़ी पहन लो और जाकर बोलो मे आई कम इन सर। ऐसे नजाकत में बोलेगा ना तो अंदर ले लेंगे तुझे। कोशिश करके देख ले। तू तो भास्कर है ना, तू अंदर जाके डीसी को भस्म क्यों नहीं कर देता? शायद उसे पेन की पावर का नहीं पता। इस बार मैं आग नहीं लगाऊंगा, ज्वालामुखी भड़का दूंगा। चलो साइड उठ जाओ। आइए मैडम। पुलिस से लेकर पॉलिटिशियन तक औरत को देखकर पिघल जाते हैं। तुम लोग क्यों खड़े हो यहाँ पे? जाओ यहाँ से। 9 न्यूज देखो और अपना न्यूज बनाओ। जाओ जल्दी जाओ। 9 न्यूज मालिनी, खाक में मिला दूंगा तुझे। क्या कहा डॉक्टर ने? चिंता की कोई बात नहीं है, आज ही इन्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा। और माँ जी, ससुर जी कैसे हैं? इस वक्त तुम उनके बारे में क्यों याद दिला रहे हो बेटा? छोड़ो उन्हें, मैं बहुत ही टायर्ड हो गया हूँ। मैं जाकर नहा लेता हूँ, उसके बाद जाकर सुसी का ऑटो लेकर आता हूँ, फिर माँ को लेकर चलते हैं। ठीक है बेटा, जाओ तुम। सर, अब पेशेंट कैसा है? पहले तुम सेमेट्री वैन को फोन करो। पशुपति सर, बॉडी पोस्टमार्टम में भेज दो। यस सर। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑफिस में फैक्स। ओके सर। और वो प्रेस वालों को बाहर भेज दो। ठीक है सर। तो फिर इतनी दूर क्यों आई हो आप? मैं तुम्हें थैंक्स बोलने आई थी। अच्छा ठीक है, तो अंदर आकर थैंक्स बोल सकती हो। दीपक, ये हमारी लास्ट मीटिंग होगी, इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। क्यों, क्या हो गया? मैं एक जरूरी बात बोलनी थी, समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ। कॉफी शॉप के वॉशरूम के कांच के पीछे मैंने पेपर में कुछ लिख कर रखा है, आप पढ़ लीजिएगा। वॉशरूम। अगर इस चेहरे को लेकर बाहर गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे।
कहाँ जा रही हो? ए, मैंने पूछा कहाँ जा रही हो? मालिनी के घर जा रही हूँ। Hey, what a surprise! बहुत दिनों से पहना नहीं था ना, इसलिए ट्राई किया। अब तुम ऐसे ही रहो, ये तुम पर अच्छा लग रहा है। लॉन्ग ड्राइव पर जाने का मन कर रहा है। You want me to come with you? No, no, no issues. मैं जाकर आती हूँ। Hi. Hi. ये लो। ये क्या है? तुम बाइक पर बैठोगी, इसलिए फेस पर बांध लेना। माजी का इलाज कराने के लिए तुम इतने पैसे कहां से लाए थे? हा? मैं तुमसे ही पूछ रही हूं। तुम्हारी चैन गिरवी रखकर हॉस्पिटल का पैसा भरा है तो क्या हुआ? अच्छा है, बस यही एक काम बाकी था, वो भी तुमने कर दिया। ए, माँ के इलाज के लिए चैन ली है ना, तुम ज्यादा चिंता मत करो, अगले महीने छुड़ा कर दे दूंगा। माँ के इलाज के लिए तुमने चैन को गिरवी रख दिया, ठीक है, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन अगर तुम अच्छे से काम करके पैसे कमाते तो आज ये नौबत ही नहीं आती ना। शादी के लिए जिस ऑटो को तुमने बेच दिया वो ऑटो आज काम आता ना? मुझे नहीं पता, मेरी चैन मुझे कल सुबह तक वापस चाहिए। ए, कल सुबह तक चैन कहाँ से आ जाएगी? 50,000 इतनी जल्दी मैं कहाँ से लाऊंगा? 50,000 में गिरवी रखा? मैं नहीं जानती तुम कहाँ जाओगे, कैसे लाओगे, लेकिन मेरी चैन मुझे कल तक चाहिए, और अगर नहीं लाए तो मैं कल सुबह ही अपनी माँ के घर वापस चली जाऊंगी। ए मित्रा, सॉरी यार, मेरी बात तो सुनो। छोड़ो, पहले जाकर चेन छुड़ाओ, उसके बाद मुझे ये प्यार दिखाना। सासू माँ, आप गलत मत समझना मुझे, मैं ये सब उसके अच्छे के लिए कर रही हूँ। शायद मेरी बातों से उसे जिम्मेदारी का एहसास हो जाए। हाँ, शायद तुम्हारी बातों से सुधर जाए। मैंने जो मेडिसिन दी है, 30 डेज तक कंटिन्यू खाते रहो, तुम्हारा स्ट्रेस जरूर कम होगा। सचमुच कम होगा क्या? 100% इट विल वर्क आउट। बाय द वे, हाउ इज योर वाइफ? मैंने जो लकीर खींची है कभी पार नहीं करूंगा। बस कल और मैं चेन्नई में रुकूंगा, उसके बाद मुझे मलेशिया जाना है। तुम तो 10 दिन रहने वाले थे ना? वीजा 1 हफ्ते बाद मिलने वाला था, लेकिन वो जल्दी मिल गया तो जाना पड़ेगा। ओह, वैसे क्या मैं आपके साथ एक बार डिनर कर सकता हूँ? बहुत मुश्किल है दीपक, मैं रात को बाहर नहीं निकल सकती। मैंने आज तक आपको फोर्स नहीं किया है, अगर आप सोचेंगे तो जरूर हो पाएगा, कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। अगर कुछ कहना है तो मिरर के पीछे देखना। कॉल माय लैंडलाइन। शिवा, जरा फोन उठाना। हेलो प्रिया। हैं? दो। हेलो, कितनी बार कहा है घर पे फोन मत किया करो, तुम्हें जरा भी अकल नहीं है? आई एम ए फैमिली मैन। रखो फोन। हैंडसम होने का ये नुकसान है। मैंने आज तक आपको फोर्स नहीं किया है, अगर आप सोचेंगे तो जरूर हो पाएगा, कोशिश तो करनी पड़ेगी ना।
तेरे पिताजी का कर्ज चुकाने के लिए मैं चार घर के बर्तन मांझती हूँ। अगर तू भी कर्जा लेता रहा तो मैं बर्तन ही मांझती रहूंगी। चार दिन करके चार महीने लगा दिए, मैं कैसे तुझ पर यकीन कर लूँ? मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन कल सुबह तक मुझे मेरी चेन वापस चाहिए। टाइम पर पैसा नहीं दिया तो याद रखना। अरे भाई, अगर 5 लाख रुपए मिल जाए ना। कितना? 5 लाख। इस एरिया में हम चोरी भी करेंगे ना तो भी नहीं मिलने वाले। अगर किसी रात को उसके घर का कबर्ड खोले तो 20 लाख से कम नहीं मिलेगा। 20 लाख तो कम से कम निकलेगा। 20 लाख सोच लो, 20 लाख। हे शीबा, ये क्या अपना सारा सामान पैक कर रही हो? आज शाम को मुंबई जा रही हूँ, एक अर्जेंट मीटिंग है। 2 दिन में वापस आ जाऊंगी। I'll make tea. आज शाम को जा रही हो? हाँ। मालिनी, इफ यू डोंट माइंड, आज रात मैं तुम्हारा घर यूज कर लूँ? क्यों? वो मेरे पुराने फोटोज रीअरेंज करने हैं, तुम तो जानती ही हो। श्योर, आई गिव यू माई फ्लैट की। अरे ये दूध उबालने का प्रोग्राम कब बनाया? एक फैमिली आई है, सूर्या नगर के घर की चाबी दो उनको घर दिखाना। ले चाबी थोड़ा संभालना। हाँ वो सब मैं संभालूंगा। ठीक है भाई, जल्दी से मुहूर्त निकाल के दूध उबालने की रस्म कर लो। कौन हो तुम? नहीं वो सुना है इस घर के लिए सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, इसके लिए मैं देख रहा था। क्या उस घर में? अरे उस घर में कोई रहता ही नहीं है तो सिक्योरिटी की क्या जरूरत? ओह नहीं, इसी बिल्डिंग में किसी घर के लिए बोला था, अब कौन सा घर है ये तो मुझे नहीं पता। किसी ने गलत बोला होगा, चलो निकलो यहाँ से। ठीक है ओके। करीब 5 o'clock के आज रात को मैं माँ के पास रुकने वाली हूँ। ये कौन सी नई आदत है तुम्हारी? नित्या की तबीयत ठीक नहीं है, वो आज रात नहीं आएगी। माँ के पास कोई तो होना चाहिए ना। वन सेकंड। कल 5 o'clock, 5 to 6 रहेगा तो बेटर है। ओके हाँ, हम लोग पहुंच गए फ्लैट टाइम पे थी। एक मिनट मालिनी, तुमसे मिलने कोई आया है बेटा? हे शीबा, अरे मैं मुंबई नहीं गई, अंकल और आंटी अचानक ही यहाँ आ गए। ऊपर का रूम फ्री कर दिया है, तुम वहाँ काम कर सकती हो। ठीक है ना? इट्स ओके, कोई साइलेंट जगह होगी तो बेटर है। कोई बात नहीं, मैं फिर कभी देख लूंगी। ओके बाय बाय। हेलो मैम, कब से तुम्हारा फोन नॉट रिचेबल आ रहा है? एक्चुअली मैम, मैं जहाँ पर था वहाँ पर सिग्नल नहीं मिल रहा था। एनीवे डिनर कंफर्म है ना? आपके फ्रेंड के घर पर ही हमें मिलना है ना? वो मुंबई नहीं गई, यहीं पर है। डिनर वहाँ नहीं है, मैंने दूसरा एड्रेस लिख कर रखा है, तुमने देखा नहीं क्या? पेपर में तो आपके दोस्त के घर का एड्रेस लिखा था ना। ठीक है, मैं दूसरा एड्रेस बताती हूँ, नोट कर लो। एक मिनट। नंबर 19 मलर तिरु सूर्यानगर तिरुवानी। 10 बजे के बाद वहाँ जाना और दरवाजे की बेल मत दबाना, आकर मुझे कॉल करना, ठीक है? ओके। हाँ और एक बात, आते समय बाइक पर मत आना, वो बाइक की आवाज आएगी। ओके ओके।
नित्या कहाँ है तू? माँ को देखने के लिए घर पर जा रही। नहीं तुम मत आना, आज मैं माँ के पास रुकूंगी। ठीक है मैडम। शिवा तुम इस वक्त यहाँ बेटी? हाँ वो मेरे पुराने फोटोज है ना, उन्हें सब रीअरेंज करना है। जेम्स को बताकर आई हूँ, तुम रेस्ट करना। मैं ऊपर ही हूँ, कुछ चाहिए हो तो बुलाना, ठीक है? हेलो। हाय मैम। हाय, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। माँ सो रही है। एकदम सुपर अरेंजमेंट किया है आपने। पीने के लिए थोड़ा पानी मिलेगा क्या? थैंक्स। मेरे साथ डिनर करने के लिए फिर से एक बार थैंक्स। कल से मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगी, इसलिए रिस्क लेकर ही अरेंज किया है। क्या मैं सिर्फ आपको शिवा बुला सकता हूँ? शिबा, आई लव यू सो मच। क्या हुआ शिबा? कुछ नहीं। हम दोनों लाइफ लॉन्ग फ्रेंड रहेंगे ना, पता नहीं फिर कब देख पाऊंगा तुम्हें। जल्दी खाना खाओ और निकलो। ऊपर क्या गिरने की आवाज आ रही है बेटी? देखो ना, आप इसे पहले से जानती हैं क्या? वो बैग इसी का है क्या? ये आपका है? देखिए इसे। मैं इसे जानता हूं, इसे कहीं तो देखा है मैंने।
ये बहुत ही खतरनाक गैंग का आदमी है, लेकिन ये आपके घर में क्या कर रहा है? मैडम मैडम मैडम, देखिए आप डरिए मत, मैं ये सब संभाल लूंगा। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए? जिसके लिए ये आया था मैं भी उसी के लिए आया था। शिवा, ऊपर क्या हो रहा है? नीचे कौन है? मेरी माँ। आपकी माँ ऊपर आ जाएगी, आप जाकर उनको संभालो। अरे जाओ मैडम, अब तक उस फ्रॉड पे भरोसा किया, थोड़ी देर मुझ पे भरोसा कर लो। अरे जाओ मैडम। कुछ नहीं माँ, कुर्सी गिर गई थी, आप अभी तक सोई नहीं? नहीं बेटा, आप सो जाइए। हम चले मैडम। कहाँ? बताता हूँ, आप गाड़ी निकालिए, सोचने के लिए वक्त नहीं है, मैं जो बोलता हूँ वैसा कीजिए, गाड़ी निकालिए और साथ में वो बैग भी ले लीजिए। एक बात बता देता हूँ आपको, पुलिस से आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं सच कहूँ तो मैं आपके घर पे चोरी करने आया था, लेकिन आप डरिए मत, मैं आपको कुछ नहीं करूंगा, मैं कोई चोर नहीं हूँ, लेकिन हालात ऐसे हैं कि मुझे चोर बनना पड़ा, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा थी जो मैं आपके घर पहुंच गया। अगर मैं नहीं आता तो आप अपनी हालत सोच के देखिए, वो आपका वीडियो बना के वायरल कर देता। देखिए मैडम, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभालूंगा, आप गाड़ी निकालिए। पुलिस वाला आपसे पूछे ना तो आप कहना कि मैं फिल्म देखने जा रही हूँ, मैं सीट के नीचे छुप जाता हूँ। इतनी रात में कहाँ जा रही हैं आप? फिल्म देखने जा रही हूँ। ठीक है जाओ। फिल्म देखने जा रही है सर? कौन सी फिल्म, कौन से थिएटर में, ये भी तो पूछो। अगर कौन सी फिल्म पूछे ना तो बोलना दृश्यम फिल्म, और थिएटर का नाम पूछा तो बोलना सत्यम, सत्यम थिएटर। कहाँ जा रही हो? फिल्म देखने सर। कौन सी फिल्म? दृश्यम। किस थिएटर में? सत्यम। ठीक है जाओ। वो दृश्यम फिल्म देखने जा रही है सर? दृश्यम में अजय देवगन खुद मर्डर करता है और लाश को छुपाकर पुलिस वालों को घुमाता है सर। हाँ, लेकिन वो सब तो फिल्मों में होता है, हमारे साथ थोड़ी होगा। ये कौन सी जगह है? रुकिए, गाड़ी रुकिए। मैडम आप 10 मिनट यहीं रुकिए, मैं जाके आता हूँ।
मैडम सब कुछ ठीक ठाक कर दिया है, ये लास्ट में कैसेट बचा है तो मैं आपके सामने ये तोड़ देता हूँ। अब आप टेंशन मत लीजिए, बेफिक्र होकर घर जाइए, मैं अपना बैग ले लेता हूँ। अब आप जा सकती हैं। इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी तुझसे यही पूछ रहा हूँ कि तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? ओ, तो साइको किलर को अकेले जाकर पकड़ने का फैसला कर लिया? देख सुन, अगर उस साइको किलर को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया तो एग्रीमेंट के मुताबिक 2 में से 1 लाख रुपए मेरे होंगे। इसके अंदर उसकी पूरी डिटेल्स है, चल चल कर पकड़ते रहे। हाथ छोड़िए मेरा, क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो? अभी टाइम क्या हुआ है? 3:30 बजे हैं, अब तक तो खून करके अपने घर आराम से सो रहा होगा। आप भी जाके सो जाइए। क्या बोला? खूनी घर जाकर सो गया होगा, उसके बारे में तू उसका करेक्ट टाइम बता रहा है? मुझे तो तेरे ऊपर ही डाउट हो रहा है। सच बता दे, कहीं तू वो साइको किलर तो नहीं है? देखो जो भी मन में आए वो बोलो मत, जाकर सो जाओ, नहीं तो आपको आकर मार देगा। एए, मैं कल सुबह तक उस साइको किलर को पकड़ के दम लूंगा, या तो वो रहेगा या फिर मैं। पास में जो विष्णु अय्यर जी रहते थे उनको किसी ने मार दिया है। हम सबको ऐसा लगता है कि ये काम साइको किलर का ही होगा। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, अब हम घर घर में जाकर सबको होशियार कर रहे हैं। संभल कर रहिए, हो सके तो सिक्योरिटी गार्ड को भी बता देना। सर डेड बॉडी। आइए सर। सर इस आदमी के राइट साइड में गले पे वार किया गया है सर, मुझे लगता है ये भी उसी का काम है। अरे यार ये मुझे भी पता है, बहुत परेशान कर दिया है। सर उसने 6 महीने में 14 खून किए हैं सर। इस बीच रात में कोई भी घूमता हुआ मिले तो उसे अरेस्ट कर लो। ओके सर। लेकिन ये बात प्रेस तक नहीं जानी चाहिए। नहीं सर। hey. चेन छुड़वाई तुमने? ए, अंदर चल के बात करते हैं ना। यही बताओ, पैर पड़ता हूँ तुम्हारे, 2 दिन का टाइम दे दो, मैं किसी भी तरह छुड़ा के लाऊंगा। ठीक है, सिर्फ 2 ही दिन का वक्त दे रही हूँ। यस। करू कमर मांगा, ये क्या लिखा है रे? क्या भाई, आपको पढ़ना नहीं आता है, ठीक से पढ़िए ना। ए, ये करू क्या है रे? करू नहीं भाई, गुरु। और ये कमर क्या है? कुमार। आए आए, मेरा बच्चा। लेकिन ये मांगा क्या है? मांगा नहीं भाई, वहाँ पर लिखा है मंगा। तो क्या था क्या रे वहाँ तक है? ये क्या बेटी लिखा है? ये तू है क्या? विक्ट्री, ऑटो के लिए जिसने पैसा लिया था ना, वो वाला विक्ट्री। 2.5 लाख 8 महीने हो गए, अब तक 1 पैसा नहीं दिया उसने। देख जाके चुपचाप उससे पैसे ले ले, नहीं तो उसकी जान ले ले। आपका फोन बज रहा है। तू डराता क्यों है रे?
हैं? फोन ही तो बज रहा है ना तेरे। कान खोलकर सुन ले, अब से तेरा पूरा वक्त शुरू। तेरा गेम बजाने के लिए जंगल पट्टों से आदमियों को यहाँ बुलाया है। जंगल पट्टो क्या, तू चाइना से आदमी मंगा ले, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। तुझे बीच रास्ते पे दौड़ा दौड़ा के नहीं मारा ना तो मेरा नाम वेलू नहीं। ए, जब तू मल्ली के मामले में सिल्ली की तरह बर्ताव किया ना, तभी सोच लिया तेरे को खत्म कर दूंगा। चल देखेंगे कौन किसको मारता है। कॉमेडी करके मेरे को हंसाता है। फोर रख, फोर रख। ए, ए, थू। ए, किधर जा रहे, दिखता नहीं है? पिछली बार कब देखा था उसको? दो हफ्ते से ऊपर हो गया भाई। देखो चिंता करने की बात नहीं है। नमस्ते सर। अरे तुम्हारा काम हो जाएगा, मैंने बोला ना। गुड मॉर्निंग सर। आओ आओ डीसी सत्या, इस शहर में जब से तुमने ड्यूटी ज्वाइन की है ना, यहाँ कितने खून हो गए तुम्हें पता है क्या? सर दरअसल बात यह है कि प्रेशर मुझसे सहा नहीं जा रहा है, ऊपर से मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। ये बता दो उसे कब तक पकड़ोगे? वी ऑलमोस्ट गॉट हिम सर। क्या मतलब? हम उसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं, उसे जरूर पकड़ लेंगे। उसके करीब पहुंच गए हो और उसको पकड़ भी लोगे, ये कह के सारे मामले पे पानी फिर जाता है। ये आईजी कह रहा था कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, किसी भी तरह के क्रिमिनल को बहुत आसानी से पकड़ लेते हो। ये ऐसा कह रहा था इसलिए तो तुम्हें मुंबई से यहाँ बुलाया, लेकिन तुम कामयाब नहीं हुए। मुझे ऐसा लगता है कि तुम किसी चूहे को भी नहीं पकड़ पाओगे। सर यकीन कीजिए मैं उसे पकड़ लूंगा। किसे, चूहे को? सर एविडेंस पर गौर करने पर पता चलता है कि वो खूनी 50 साल के ऊपर के बुजुर्गों की ही जान ले रहा है। अरे इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं कि उसे मेरे घर तक पहुँचने से पहले ही पकड़ लो। सर आप डरिए मत, आपके लिए पुलिस का बंदोबस्त कर दिया है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मुझे भी खतरा है? जाकर मुंह धोकर आओ, 10 दिन के अंदर उसे पकड़ के हाजिर करो, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ भाई। यस सर। हाँ प्रिया बोलो बेटी। ऑफिस में उसका बर्ताव मैं सह नहीं पा रही हूँ, आपने कहा था कि आप संभाल लेंगे लेकिन लगता है आप तो भूल गई। नहीं नहीं बेटी भूला नहीं हूँ, इस महीने में मैगजीन रिलीज का डेट फिक्स हो गया है, इस वजह से थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। डरो मत और वहाँ से रिजाइन मत करना। लोग हमें देखकर डरने चाहिए, हम लोगों को देखकर डरे ये ठीक नहीं है। ठीक है। अच्छा नाम क्या बताया था उसका? जेम्स अंकल। ठीक है ठीक है। मैं एक चूहे को नहीं पकड़ सकता, मेरे बारे में ऐसी बातें कही जा रही हैं। इससे अच्छा तो मैं मुंबई में था, यहाँ मैं तुम्हारे लिए आया था। बस एक बार वो साइको किलर मेरे हाथ लग जाए तब उसे पता चलेगा कि मैं उससे भी बड़ा साइको हूँ। मिनिस्टर के पास जाकर मैंने बोला था सर वी ऑलमोस्ट गॉट हिम। तो इसका मतलब क्या है? हर कोई ये बात अच्छी तरह जानता है, इस पुलिस डिपार्टमेंट में मेरे अलावा उस खूनी को और कोई नहीं पकड़ सकता, फिर भी मेरे बारे में कहते हैं मैं एक चूहे को पकड़ने लायक भी नहीं हूँ। कुछ देर चुप रहोगे तुम? मेरी परेशानी भी समझने की कोशिश करो। घर में मम्मी पापा रोज फोन कर करके मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, कब शादी करेगी कब शादी करेगी। क्या जवाब दूं मैं उनको बताओ? जब देखो तब सिर्फ अपने काम के बारे में सोचते रहते हो। अगर ऐसा ही रहा तो हमारी शादी कब होगी बताओ? ए, ए, वहां कहां जा रहे हो, बेडरूम में छुप जाओ। ए, ये लो, ये लो। ए, शूज। शिबा क्या हो गया? हे, क्या हुआ? कुछ बताएगी भी प्लीज बता। जेम्स ने कुछ किया? माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो फिर क्या हुआ बता ना प्लीज। मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है मालिनी। ये तो क्या बोल रही है? उस दिन जो सेल्समैन आया था वही है क्या? पागल है क्या तू? जेम्स की नफरत की वजह से मैंने ये किया। और वो दूसरा आदमी कौन था? पता नहीं। उस डेड बॉडी का क्या किया?
वो लेकर चला गया। वहां से लेकर चला गया? पास्ट इज पास्ट, जो हो गया उसे याद करके परेशान मत हो, घर जाओ और रेस्ट कर, ठीक है? तू ये बात किसी को बताएगी नहीं ना? मैं तेरी फ्रेंड हूँ यार। मालिनी तू डर मत, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगी, ठीक है? सत्या? हाँ। कौन था, कौन आया था? फ्रेंड थी। क्या हुआ? मुझे शॉपिंग के लिए बुला रही थी, मैंने मना कर दिया उसे। मस्त परफ्यूम है, कितनी सारी फोटो लड़कियों की। कितनी प्यारी है। सही है, बहुत शौकीन आदमी लग रहा है। इतनी सारी हसीनाओं की तस्वीर है, बहुत बड़ा फ्रॉड लगता है ये आदमी। भाई आप गजा भाई को भुला करके इसके साथ दोस्ती कर लो ना। अगर इसके साथ कर लेता तो जेल में सड़ रहा होता और तुम लोग बाहर अय्याशी करते हैं। मेरा मतलब वो नहीं था भाई। ठीक है, ये सब पैक करके मेरे गोदाम में लेके आ। ठीक है, है? ये कौन है रे? ये तो अपने एरिया की लगती है। मेरे नीचे 250 लोग काम करते हैं। सुन तो, उस दिन सिक्योरिटी का काम ढूंढ रहे थे ना, एक काम है तुम्हारे लिए। नहीं, मुझे काम नहीं चाहिए, जाओ तुम। ले। ए, हाँ, कोई काम नहीं चाहिए। मैं इतना परफेक्ट काम करती हूँ ना कि बॉस मुझे देखते ही घबरा जाते हैं। अब गुड मॉर्निंग मैडम। बगल की दुकान में जाकर आने में इतना टाइम लगता है? हाँ, तुम्हें जो पगार दिया जाता है वो काम करने के लिए, फोन पर बात करने के लिए नहीं। तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है, जाओ। मैडम ऐसे घूमने फिरने नहीं गई थी मैं, काम के लिए गई थी मैं बाहर। अभी आपको मैं बताती हूँ मैं क्या काम करके आई। एक मिनट भाई साहब, आओ 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 आओ। सिक्योरिटी के लिए आपको चाहिए था ना कोई? देखिए मैं लेकर आई हूँ इसे, कैसा रहेगा ये? कटाल की है ना, ये बिल्कुल सही रहेगा। सर, दिस इज माय रिपोर्ट सर। रिपोर्ट ऐसे तैयार होती है। हे किड्सन, कैसी टी शर्ट पहन रखी है? ऐसी घटिया टी शर्ट तुम्हारी माँ ही खरीद कर दे सकती है। घर में एक इंपॉर्टेंट गेस्ट आ रहा है और तुम ये ड्रेस पहन कर रहोगे? तुम्हें टी शर्ट गिफ्ट किया था, व्हाइट टी शर्ट पर रेड कलर डिजाइन, जाओ उसे पहन कर आओ। हाँ, जाओ 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 जाओ। हाँ, फोर्क नहीं है क्या? लाती हूँ साहब। जाओ लेकर आओ। देखो कौन आने वाला है। हेलो, इट्स बीइंग अ लॉन्ग टाइम। आई नो। अंदर आ जाओ। सत्या, शी इज माय वाइफ शिवा। हाय। आपका हाथ इतना काम क्यों रहा है, शुगर है क्या? जस्ट किडिंग। आप मुंबई में रहती थी ना? जेम्स बता रहा था, मैं भी मुंबई में था 2 साल। शहरों का शहर आमची मुंबई। वैसे आप मुंबई में कहाँ रहती थी? मैं वो अंदर चलते हैं। श्योर। हम्म।
क्या हुआ? इस घर में सबके हाथ कांपते हैं क्या? यू मस्ट बी किड्सन। गुड इवनिंग अंकल। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन। नाइस टी शर्ट, नाइस कॉम्बिनेशन। थैंक यू अंकल, मम्मी ने गिफ्ट दिया है। सुपर। सिलेक्शन से पता चलता है आप मुंबई रह चुकी हैं। मैंने आपको टीवी में देखा है अंकल। ओह रियली? चलो कम से कम इस घर में एक का तो हाथ नहीं कांप रहा है। शैल वी स्टार्ट? या श्योर। और सत्या, साइको किलर केस कहां तक पहुंचा? पकड़ा गया नहीं? अभी कहा यार, डे नाइट उसी केस में तो लगा हुआ हूं। मिनिस्टर लेवल से प्रेशर है मुझ पर। वो बुजुर्ग लोगों को ढूंढकर मारता है ऐसा सुना है मैंने। दरअसल वो। गुड नाइट किड्सन। गुड नाइट अंकल। क्यूट बॉय। यार मेरी समझ में एक बात नहीं आती है, बहुत से लोग अपने घर जमीन बेचकर किसी भी तरह अपने बच्चों को पढ़ाने में कामयाब होते हैं, फिर यूके और यूएसए में भेजकर काम पे लग जाते हैं, और फिर यहाँ वापस आकर एक अच्छी लड़की से शादी करके उसे भी अपने साथ लेकर जाते हैं। उसके बाद एक दो साल बीतने पर ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म है ऐसा कहकर झूठ बोलते हैं और यहाँ पेरेंट्स को अनाथ छोड़ देते हैं। हाँ। अरे भाई जाना है तो जाओ ना, लेकिन अपने घर पर एक सिक्योरिटी को तो छोड़कर जाओ। अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो खूनी तो पैदा होते ही रहेंगे ना। जैसा तुम कह रहे हो उसके अनुसार जिनके बच्चे फॉरेन में हैं उन्हीं के घर खून हो रहा है। एब्सोल्युटली, अब तक 13 खून हो चुके हैं। इतना ही नहीं, एक आदमी मिसिंग भी है। इंक्वायरी करने पर पता चला है कि 13 लोगों में से 12 लोगों के बच्चे फॉरेन में काम करते हैं। सो जो खून कर रहे हैं वो जान पहचान वाले। अरे बस करो यार, ये बता शादी कब करने वाला है? मेरी शादी हो इससे पहले ये प्रेस वाले मेरी शादी करवा देंगे। ये देखो। हे, एक पुलिस रक्षक के लिए भी एक रक्षक जरूरी है। इस राइटर में रिपोर्टर के साथ तुम्हें जोड़ दिया है, है? देखो अगर तुम इसे जवाब देना चाहते हो तो जल्दी इसे शादी कर लो। केस सॉल्व होते ही सबसे पहले शादी ही करूंगा। बताया नहीं, लड़की कौन है? इसी जर्नलिस्ट से शादी करने वाला है क्या? मैं जो काम कर रहा हूं उसके लिए जर्नलिस्ट ही अच्छी रहेगी। हेलो हेलो, वो एक जर्नलिस्ट है। मैं क्या कर सकती हूँ तुम नहीं जानते। आई विल रूइन योर लाइफ। हेलो, मैं जो काम कर रहा हूं उसके लिए जर्नलिस्ट ही अच्छी रहेगी। हेलो, हे वेयर आर यू? मैं तुमसे बहुत जल्दी मिलना चाहता हूं। पुलिस से शादी करने वाली हो? तुम्हें यह बात कैसे पता? सत्या जेम्स के फ्रेंड हैं, वो कल घर पर आए थे। जेम्स और सत्या, ये कैसे हो सकता है? वो तो पता नहीं, लेकिन तुम भी मेरी तरह झेलने वाली हो। ये क्या बोल रही हो? जेम्स का दोस्त कैसा होगा? नहीं छी छी, सत्या तो बहुत अच्छा इंसान है। अच्छा है तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये शादी बिल्कुल मंजूर नहीं है। अपनी जिंदगी को किसी और के हवाले क्यों करना, ऐसा ही तुम कहा करती थी ना? अब क्या हो गया तुम्हें? व्हाट वाज हिज नेम? शेट्टी, शेट्टी, हाँ किशोर शेट्टी, राइट? ये बात सत्या को पता है? अगर पता चला तो क्या करोगी? सत्या को ये पता चलेगा ही नहीं, और वैसे भी किशोर और मेरे रिलेशन का कोई एविडेंस ही नहीं है। क्यों, तुम्हारे बारे में सत्या को बोल दूंगी इसलिए तुम्हें डर लग रहा है? कम ऑन, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। आई नो यू विल किल योरसेल्फ बट यू नेवर बिट्रे मी। सही कहा तुमने, तुम बेफिक्र रहो क्योंकि तुमने जो राज मुझे बताया था वो हमारे अलावा किसी को पता भी नहीं चलेगा। रिलैक्स, डोंट वरी, आई विल टेक केयर, डोंट वरी। ओके डॉक्टर, ओके। बाय द वे, मैंने जो दवाइयां दी हैं टाइम टू टाइम लेना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके बाय। ए, कौन हो तुम? तुम्हारा अपॉइंटमेंट है क्या? सीधे अंदर आ गए? वो जो जा रहा है वो जेम्स थॉमस है ना, उनको क्या हुआ है? हेलो, वो मेरा पेशेंट है, मैं तुम्हें उसके बारे में क्यों बताऊं?
नहीं सर, 25 सालों से मेरा दोस्त है, इधर कुछ दिनों से बात नहीं कर रहा है वो, पता नहीं क्या हो गया, इसलिए जानना चाहता था। जब देखो टेंशन में रहता है। ठीक है, आप बैठिए। उसे क्या परेशानी है अगर पता चल जाए तो मैं उसकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। वैसे तो ये आदमी बहुत सीधा साधा भोला भाला है। वहां जो मार खाया था उसके बाद फिर वो बचा कैसे? तुम कह रहे हो कि तुम उसके 25 साल पुराने दोस्त हो, तुम्हें नहीं पता? चाहे कितना भी करीबी फ्रेंड हो, उसके पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकते। बच्चा पैदा होने के बाद ही ऐसा हुआ है, बेचारा बहुत सीधा साधा है। Hey यार, tell me first यार, no, tell me. Yeah, हाँ। Hello. तुम अपने आप को समझती क्या हो? इस महीने तुमने कितना खर्च किया तुम्हें कुछ पता? नमस्ते साहब जी, मेरा नाम भास्कर है, एक दूसरा नाम भी है मेरा, हासिल करने वाला भास्कर। के सामने दिखावा करने के लिए तुम्हें मेरी बेटी मिली है क्या? खबरदार, तुम अपनी बीवी और बच्चे की वजह से बच गए, इज्जत से रहना सीख लो, नहीं तो अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी जो इज्जत है ना, जलाकर भस्म कर दो। क्या कहा आपने? सच बताया और क्या। अब बहुत हो चुका सत्या, आइदर यू लीव मी और यू मैरी मी। मालिनी, क्यों इस बारे में बार बार जिक्र करती रहती हो? मैंने तुमसे कहा ना कि हम आराम से शादी करेंगे। आराम से? और कितना आराम से? 3 महीने या 6 महीने या 1 साल के बाद, कोई तो डेट बता दो मुझे। पेपर में लिखे गॉसिप की वजह से तुम इतना परेशान हो रही हो और खुद को बहुत बड़ा जर्नलिस्ट कहती हो। एक बात सुन लो मान ली, जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता, और इस केस को सॉल्व करने के लिए मुझे साइको किलर को पकड़ना ही होगा। अगर तुम्हें शादी की इतनी ही जल्दी है तो तुम खुद उस साइको किलर को पकड़ो, फिर हम दोनों उसको पुलिस के हवाले कर देंगे और सजा दिलवा कर शादी कर लेंगे, लेकिन तब तक शादी की चर्चा भी मत करना। अरे काम धंधा कैसा चल रहा है? बस चल रहा है भाई। और कोई खास बात है क्या? नहीं, कोई खास बात नहीं है भाई। मैं पूछ रहा हूँ पगार वगार ली कि नहीं? नहीं लिया भाई, जब लूंगा तब हफ्ता हफ्ता 1000 रुपया दे दूंगा आपको। अरे मैं इसके लिए थोड़ी पूछ रहा हूँ, ये मेरा कैसा अजीब है। यहाँ क्या कर रहे हो? चोरी करने आए हो क्या? ए, तू चोर कैसे बोल रही है? मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया, चोर तो तू है। कई बार तिजोरी खोल के चोरी करते तुझे मैंने देखा है। ए, इस पुतले को तोड़कर यहाँ कैसे रखा है? मैडम ने कितना महंगा खरीदा था और तुमने इसे तोड़ दिया। इस घर में मैं तुम्हें लेकर आई हूँ, इसलिए यहाँ जरा संभल कर ही रहना।
मैडम शीबा कहाँ है? अभी तक आई नहीं मैडम, आप आइए ना, अंदर बैठ जाइए। ओके आंटी, कैसी हैं आप? हाय, अचानक कैसे? पास में काम से आई थी तो मैंने सोचा आंटी से मिलती चलूं। गुड मॉर्निंग मैडम। ठीक है। ये कौन है? सिक्योरिटी। तुम्हें बताया था ना उस रात यही आया था। हे, तुम्हें पागल कुत्ते ने काटा है क्या? कुछ तो सोचा करो, तुमने इसे ही काम पर रख लिया। मुझे इस पर पूरा भरोसा है। समझा कर कोई फायदा भी तो नहीं है। हे मालिनी, बाहर में जाओ तुम। क्यों मैडम, हाँ? आज फोन पर बात नहीं कर रही हो? ऊपर आ जाओ। हाँ मैडम। शाम को आती हूँ मैडम। जल्दी आना। हाँ विक्ट्री। जी मैडम। ये लो तुम्हारा पगार। थैंक्स मैडम। एक और बात। हाँ? ये लो मैडम, इतने पैसे किसके लिए? तुम्हारे लिए हैं। मैडम सच के बारे में मैं किसी को नहीं बोलूंगा मैडम, मुझ पर भरोसा रखिए। तुम पर भरोसा है इसलिए तुम्हें यहाँ रख लिया। मुझे पता है तुम्हारे सर पर बहुत कर्जा है, रख लो। ए चोकड़े। हाँ भाई। विक्ट्री के पास जा, खत्म कर दे। ठीक है भाई। आओ मेरी प्यारी छोटी बच्ची, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। आगे देखता हूँ, यही कहीं होनी चाहिए। इंडिकेशन प्रॉपर्टी खाली पड़ी है। ये 19 नंबर किधर है? किधर है? यहीं तो बताया था। शायद ये है। ये है नहीं, ये नहीं है। किधर है फिर? यही तो। मिल गई। 19 नंबर। घर तो बहुत बड़ा है, पार्टी बहुत बड़ी लगती है। मैडम चाबी। ये इधर क्या कर रहा है? हाँ तुम्हें एक बात बतानी थी, आज रात नित्या यहाँ नहीं रुकेगी, तुम्हें रुकना। हाँ मैं संभाल लूंगा मैडम। हे, तू इधर क्या कर रहा है भाई? मैं यही काम करता हूँ। अभी जो गई वो यही है ना? हाँ भाई। हे, पट्टे वाली है क्या? हैं? भाई Oh.
एए, क्या रे? उनको मुझे पैसे देने थे। जो हुआ तूने देखा क्या? हाँ, नहीं भाई नहीं, पैसे की जरूरत नहीं है, निकल ले यहां से। ठीक है भाई। एए, तेरा फैमिली है ना? हाँ। अपन वॉच करेगा। सर आ गया। कहाँ है? सर इधर सर। बिल्डर समुद्रन का किसी ने बेरहमी से खून कर दिया सर। किसी ने देखा क्या? पूछताछ में पता चला किसी ने नहीं देखा है। जरा चैनल 9 को बुलाओ। आपको बुला रहे हैं। दूसरा प्रोग्राम कर रही है सर। पशुपति तुम सर। सर इस खून के पीछे वजह क्या है बता सकते हैं? माँ मैं जाके आता हूँ। ठीक है बेटा चलो। बाय। और कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा लगेगा साहब। क्या यार कब से आधा घंटा बोल रहा है? सच बता ना तुझे पंचर बनाने आता है कि नहीं है? सर मैंने बी में इंजीनियरिंग किया है। करके क्या फायदा? अभी तक एक नट भी नहीं खोल पाया है पहिए का। तो जल्दी हो जाएगा। तुम्हारे जैसे पंचर बनाने वाले होते ना तो मैं गाड़ी नहीं खरीदता। अच्छा होता है इसकी तरह एक साइकिल खरीद लेता, कम से कम टाइम पर पहुंच तो जाता। सिर्फ तुम्हारा ही परिवार है क्या? मेरा नहीं है। कितनी देर वेट किया मैंने, ये लो। अरे ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? उसे पता तो नहीं चल गया कि मैं यहाँ की नौकरानी हूँ। अरे बाप रे, कौन है? मैं हूँ माजी विक्ट्री। विक्ट्री जी? हाँ माजी। ठीक है आप सो जाइए, मैं बाहर ही बैठा हूँ। ठीक है बेटा। एक बात सुन लो मान ली, जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं दूसरे रिपोर्टर से नजर नहीं मिला पाती, जहाँ भी जाती हूँ सब मेरी बेइज्जती करते हैं। पेपर में लिखे गॉसिप की वजह से तुम इतना परेशान हो रही हो? मैं जहाँ भी जाती हूँ सब मुझसे कहते हैं कि मैं डीसी की गर्लफ्रेंड हूँ। अगर तुम्हें शादी की इतनी ही जल्दी है तो तुम खुद उस साइको किलर को पकड़ो, फिर हम दोनों उसको पुलिस के हवाले कर देंगे और सजा दिलवा कर शादी कर लेंगे। उस डेड बॉडी का क्या किया? वो लेकर चला गया, वहां से लेकर चला गया। और वो दूसरा कौन है? गुड मॉर्निंग मैडम। तू ये बात किसी को बताएगी नहीं ना? मैं तेरी फ्रेंड हूँ यार। और इस केस को सॉल्व करने के लिए मुझे साइको किलर को पकड़ना ही होगा। पटनम पाकम पुलिस स्टेशन। हाँ जी बोलिए। आप जिस साइको किलर को ढूंढ रहे हैं उसके बारे में मैं कुछ जानती हूँ। क्या कर रहे हो, जल्दी चलो ना। Oh,
बिट्री, बिट्री, कौन है बेटा? कौन है? कौन है? मैं हूँ बिट्री, आप घबराइए मत। बिट्री, अरे सर, यहाँ कोई बुजुर्ग औरत रहती है सर। क्या पास वाले घर में? हाँ सर, सालों से वो यहीं रहती है। बुजुर्ग औरत है, अकेले है क्या? जी सर। कम से कम एक सिक्योरिटी तो होना चाहिए। क्या हुआ मालनी? कुछ नहीं, तुम टेंशन में हो क्या? वो एक अननोन कॉल आया था, वहां जाकर देखा तो कुछ भी नहीं मिला। बोलो सत्या। एक मिनट सत्या, एक मिनट। बोलो पशुपति, कहां? कभी? मालिनी, वी गॉट द किलर। शादी के लिए तैयार हो जाओ। बाद में कॉल करता हूं। आयुष पुलिस स्टेशन, यू टर्न लेकर जल्दी चलो। थैंक गॉड, सॉरी शिवा। हेलो। हेलो मैडम। विक्ट्री। हाँ हेलो सर। क्या हो गया इतनी रात को कॉल? पिछले 13 खून के घटनास्थल पर जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं और जो एविडेंस मिले हैं, उन दोनों को मिलाकर पुलिस। चलो आ जाओ, चलो। सर नमस्कार सर, यही है वो। सर ने क्या बोला? भेजने के लिए बोला है सर। ऐसा ही क्या? तुम्हारा नाम क्या है? विक्ट्री सर। घर कहाँ है? यही है सर, भारती नगर। ठीक है ठीक है, तुम लोग जाओ। अच्छा कुछ पैसों की जरूरत है क्या? पुलिस तो लोगों को अंदर डालती है, ये पैसे के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? सर चलिए सर, चलो जाओ। ड्रॉप कर दूं क्या? नहीं सर, मैं चला जाऊंगा। इसने पैसे के लिए भी मना कर दिया, मेरे साथ जाने के लिए भी मना कर दिया इसने। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत तकलीफ उठाएगा। सर सर, क्यों लिफ्ट चाहिए क्या? नहीं, आपसे बात करनी थी। साइको किलर पकड़ा गया ना, इसलिए। मुझे नहीं पता, मेरी आंखें बंद थी। एड़े, साइको किलर को पकड़ कर पुलिस के हवाले मैंने किया है। अच्छा, तुमने साइको किलर को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया और मैंने यकीन कर लिया? हकला के क्यों बोल रहा है? बार बार ब्रेक लगाने की आदत है क्या? जाना। चल यार। गाड़ी ठीक से चला नहीं पाते, जुबान चलाते हैं। जिस पुलिस टीम ने साइको किलर को पकड़ा है, उस टीम के मिस्टर पशुपति हमारे साथ हैं। चलिए उनसे पूछते हैं इस बारे में। पिछले 2 महीनों से हम लोग डीसी सत्या के अंडर में साइको किलर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस केस में हमें सिटी के 5 लोगों पे शक था। उन 5ों को फॉलो करने के बाद हमने इसे पकड़ लिया। इसमें निगरानी करने के दौरान इसका एटीट्यूड कुछ हमें एबनॉर्मल दिख रहा था, इसलिए हमने इसे अपने कब्जे में कर लिया। हम इसे पकड़ने के बहुत करीब पहुंच चुके थे। ये जब तिरुवानी के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, तो उसी समय हमारे डीसी सत्या सर अपनी जान की परवाह किए बगैर उसको पकड़ लिए। उसके साथ काफी देर तक फाइट किया, उसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया। ये तुमने बहुत ही कमाल का काम किया है, अब मुझे दिल से सुकून मिला है।
अच्छा ये बताओ तुमने उस साइको किलर को पकड़ा कैसे? उसके लिए सीक्रेट ऑपरेशन करना पड़ा। अरे जब मैं उस दिन तुम्हें डांट रहा था तो बताना चाहिए था ना कि सीक्रेट ऑपरेशन है। क्रिमिनल को पकड़ना मुश्किल नहीं होता सर, लेकिन अगर बात बाहर आती तो लीक हो जाती। चलो जो भी हो, मुंबई से जिस काम के लिए बुलाया था तुमने वो काम पूरा कर दिया। अब तो मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए सर, मैंने तो अपनी ड्यूटी की है। मुझे तुम्हारे लिए कुछ तो करना होगा। ऐसा है, मैं तुम्हें आईजी का प्रमोशन दे देता हूँ। सर प्रमोशन? अपने सारे काम खत्म करके तुम मुझसे मिलने आना, तुम मेरे ब्रदर जैसे हो। ओके सर। ऐसे क्या देख रहा है, तेरे पास और 3 महीने है ना, संभाल ले। डीसी सत्या के पूछताछ करने पर उसने बताया कि 8 महीने पहले उसने जिसका खून किया था वो 22 साल का एक नौजवान था और वो कचरे के ढेर में पाया गया था। आगे की जानकारी के लिए डीसी से पूछताछ करने के लिए पल्ली करने कचरे के ढेर के पास हम जा रहे हैं। डीसी सत्या अपनी पूरी टीम को वहां अपने साथ ले जा रहे हैं ताकि सच्चाई ऑन कैमरा सबके सामने आए। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज 9 चैनल से जुड़े रहिए। कैमरामैन सुंदर के साथ मालिनी। रेडी चले। तेरे 2 लाख रुपए वो तो गए। अरे गए। मेरी क्या बात, वो तो किसी को नहीं मिला, कोई क्या कर लेगा। ए राउडी हम लोग हैं। शहर में नया राउडी कहाँ से आया? अपन के शहर में क्या हो रहा है जानने के लिए बस न्यूज देखो। मैं मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा मैडम। जबकि साइको किलर ने उन्हें सिर्फ 1 लाख की जानकारी दी थी। अंदर माँ है ना? मैडम, जब भी मैं तकलीफ में था तब आपने पैसे देकर मेरी मदद की। आज मेरा जो कुछ भी अच्छा है वो सब आप ही की वजह से मैडम। आप चिंता मत कीजिए मैडम, मैं जेल चला जाऊंगा। मेरी माँ और मेरी बीवी मित्रा को आप संभाल लीजिए। पिछले 8 महीनों में चेन्नई सिटी में जिस साइको किलर ने खून किए हैं वो ये है। जो बुजुर्ग अपने घरों में अकेले रहते हैं ये उन्हें ढूंढता है, उनको मारता है और उन्हें तड़पते हुए मरता देखकर ये खुशी महसूस करता है, इसीलिए ये ऐसा करता है। हाल ही में जो बॉडी मिली है उसमें से एक तुकम्मा में जो डबल मर्डर हुआ था उसमें से एक 22 साल के लड़के की लाश है। ये लड़का उस खून को रोकने की कोशिश कर रहा था जिस वजह से इसने उसको बेरहमी से मार डाला। और ये जो दूसरी लाश है वो उसकी है जिसकी गाड़ी में ये लिफ्ट मांगकर जा रहा था। जब ये उस लाश को कचरे के ढेर पर फेंकने गया तो उसके खून का धब्बा उसके शर्ट पर लग गया और जब गाड़ी वाले ने खून के धब्बे के बारे में पूछा तो इसने भी उसे पत्थर से मार दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, तिरुवानी में जो मर्डर हुआ यानी बिल्डर समुद्रन का भी खून इसी ने ही किया है।
यानी अब तक जो 17 खून हुए हैं वो इसी ने किया है, ये बात ये कबूल कर चुका है। थैंक यू। अपुन के बड़े भाई को और दीपक को इसी साइको किलर ने मारा है। पुलिस हम तक पहुंचे उसके पहले। चलो चलो चलो। सर 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 सर, समुद्रन का जिसने खून किया वो ये नहीं है सर, वो कोई दूसरा गैंग है। और जो दूसरी बॉडी मिली है उसका खून भी इसी ने किया होगा सर। आई थिंक किसी और ने मार के उसे वहाँ फेंका है। ऐसा है क्या? तो मैं प्रेस में ये कहकर आ जाता हूँ कि जो मैंने कहा वो सही नहीं है। तुम फाइल लेकर सफाई देते रहना सर। अरे भाई, वो जेल के अंदर PhD थोड़ी करने वाला है। जब उसने इतने खून किए हैं तो ये भी उसी के सर रहने दो ना। डैडी, मुझे चॉकलेट चाहिए। जब देखो केक और चॉकलेट है, वो सब यहाँ पर नहीं मिलेगा। यहाँ से थोड़ी दूर जाएंगे तो कॉफी शॉप है, वहाँ पे मिलेगा। ये सब तुम्हें कैसे पता है? कैसे पता? चलो दिलाता हूँ। आई लव यू। ड्राइवर, अच्छा तुम्हें कैसे पता कि ये सब यहाँ पर मिलता है? ब्लैक फॉरेस्ट सर, हिंदी की किताब है सर, बच्चों के लिए। जाओ सर, जाओ, बच्चों को हिंदी में पढ़ाना प्लीज सर। वो हिंदी पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे सर। सर ओके, आ जाओ, यहाँ बैठो। यस, गुड मॉर्निंग। वन ब्लैक फॉरेस्ट, वन टी, शुगर फ्री। एनीथिंग एल्स सर? नहीं बस। एक्सक्यूज मी, वॉशरूम लेफ्ट कॉर्नर सर। ओके। हिंदी अंकल को कांग्रेट्स बोलो। थैंक यू। गॉट समथिंग फॉर यू। फॉर मी? आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू। व्हाट इज इट? शीबा, इसे मेरे पास ही रहने दो। ये मेरा मोस्ट वैल्यूएबल पर्सनल कलेक्शन है। हे शीबा, ये सब क्या है? मैंने कहा था ना, वो बात मैं सत्या को कभी नहीं बताऊंगी। तुम मेरे साथ विश्वासघात मत करना और मैं तुम्हारे साथ नहीं करूंगी। मुझ पर यकीन करो। एक औरत के अंदर जो रहस्य है वो बाहर ना आए, उसे एक औरत ही रोक सकती है। Bum 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 b